सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर, प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सब जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे बोझ से थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और चंगियाई दूंगा। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल पे जब मैं प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी की वीडियोस डालता हूँ, शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है उन तक सुसमाचार पहुंचाया जाए। इस पे कैमरा कर, हाँ, इस आवाज इधर सामने, आज के इधर सामने, अबे बुड्ढी के सामने, अब स्माइल कर, स्माइल कर। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं ये क्या है? बुड्ढा कह रहा है, बुढ़िया तेरे बिना मेरा काम नहीं चलता। हालेलुया। अच्छा, और बुढ़िया पता क्यों हंस रही थी? बुढ़िया कह रही थी बेवकूफ कहीं का, 90 साल में समझ आया इसको। हालेलुया, आपकी समझ में आया? क्योंकि उनके दांत भी चले गए थे, अब वो बात भी नहीं कर सकते अच्छे से, तो उनकी भाषा भी समझ में नहीं आ रही है। तो बुढ़ा बुढ़े एक दूसरे को हंस रहे हैं। वो कह रहे हैं, मुझे 90 साल में पता लगा, मैं तो वैसे इंग्लैंड वाली के पीछे घूम रहा था, हैं? मुझे पता लगा तू ही मेरे एक दिन काम आएगी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि आज आपको पता लग रहा है, आज आपको पता लग रहा है कि आपको नहीं पता। कह रहे हैं, अगर आप यीशु मसीह को स्माइल दोगे, उसको बताओगे कि अब समझ में आया हमारी। हालेलुया, हालेलुया। कोई और काम नहीं आएगा मनुष्य मेरे, तू ही आज रात मेरे काम आने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितने वो स्माइल दे रहे हैं आज, ऊपर से स्माइल आएगी खुदा की आज आपके लिए। आमीन। हाथ करके आप फ्लाइंग किस दे दो परमेश्वर का, आई लव यू जीसस। कहीं बेशरम नीचे ही करी जा रहे, ऊपर करना आज के दिन, तो ऊपर करना है, बोलो आई लव यू जीसस। ओए, आज के दिन नहीं, हमेशा करना है। आप समझ रहे हैं? कह रहा है, बाइबल बोलती है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं परमेश्वर। अगर आप सुबह उठकर ऐसा बोलते हैं तो परमेश्वर आपसे प्रेम का बदला प्रेम के साथ देगा, आपके क्रोध का बदला जो क्रोध करते हैं यीशु मसीह से, उन्हें क्रोध का बदला क्रोध से देगा। मर्जी आपकी है। आज परमेश्वर ने मुझे कहा, आप किसी भी समस्या में होंगे लेकिन परमेश्वर आज सबके साथ भलाई करेगा। आमीन। बोला हालेलुया, क्योंकि मेरा परमेश्वर भलाई करने वाला परमेश्वर है। कौन है? भलाई करने वाला परमेश्वर। अपने पड़ोसी से हाथ मिला, बोलो कि आज परमेश्वर तेरे साथ भलाई करेगा। कुछ लोगों को यकीन नहीं है क्योंकि वो पापी हैं, कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोग समस्या में हैं और अपने अंदर से टूट चुके हैं और वो कह रहे हैं पता नहीं परमेश्वर मेरा भला करेगा नहीं करेगा। लेकिन आज आपके लिए खुशखबरी है, जितने मेरे जन्मदिन पर आए हैं आप परमेश्वर के लाडले बेटे के जन्मदिन पर आए हैं यीशु मसीह के, समझ रहे हो, आज आपका भला होकर रहेगा यीशु मसीह के नाम। या आमीन बोलने के लिए तैयार हो गए नहीं चर्च? सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है, कह रहा है कि आपकी किसी ने मदद ना की हो, आपने दुनिया के साथ भलाई की हो सकता है आपने बार बार किसी ना किसी के साथ हेल्प की हो, लेकिन आपके अपनों ने भी आपकी हेल्प करनी छोड़ दी हो, आपके अपनों ने भी आपके साथ भलाई करना छोड़ दिया हो। दाऊद अपनी जिंदगी के अंदर शाऊल के साथ भलाई करता रहा, भलाई पर भलाई। जब वो बीमार पड़ा उसके लिए तबला बजाता, जब वो घटी में आया, समस्या में आया, शत्रु से मारने आए, तो कह रहा है कि वो उनके सामने खड़ा हो गया, और लेकिन कि उसके भलाई का बदला, दाऊद की भलाई का बदला, कह रहा शाऊल ने उसके साथ क्या किया, अपने दुश्मनों को नहीं, अपने सैनिकों को भेजकर कह रहा है कि शाऊल दाऊद को सोते हुए षड्यंत्र रचा कि जब ये सो रहा होगा तो उसको मार देना, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। और एक दिन शाऊल खुद ही अपनी बुराई के अंदर फंस गया और मारा गया। उसने, मैं आपको बता रहा हूं कि उसने अपने आप से एक कायल, एक आत्मा ने उसको कायल किया और उसने अपने आप ही सुसाइड कर लिया। भला गाड़ा, उसको मौत देने वाला भी कोई नहीं था, उस व्यक्ति को मारने वाला भी कोई नहीं था।
दाऊद ने भलाई किया, लेकिन उसने कहा करा कि मुझे मार दो, करा मुझे भूत नजर आ रहे हैं मेरे अंदर से, कहा मुझे मरने का डर लग रहा है, ये मुझे मारेंगे, ये शत्रु मुझे पीटेंगे। लेकिन उसने क्या किया, भाला गाड़ा और भाले के ऊपर खुद लेट गया, अपने आप को सुसाइड कर लिया। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं कि जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं, आज के बाद उनकी आत्मा को कायल करने वाला है। आपको विश्वास करना है, अगर आपने किसी के साथ भलाई के बदले बुराई की है, तो आज हाथ उठाकर क्षमा मांगनी है परमेश्वर से कि परमेश्वर इस व्यक्ति ने मेरे साथ भलाई किया, इसने मुझे सुसमाचार सुनाया, इसने मेरे पैसे में मदद किया, परमेश्वर इसने मुझे कहां से कहां पहुंचाया। लेकिन परमेश्वर मैंने कई बार पवित्र आत्मा ऐसे व्यक्ति के लिए कभी धन्यवाद नहीं किया, तो परमेश्वर आज मैं ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर चाहता हूं कि तू आज इनको भलाई दे स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया। अगर आप इस पाप से बचना चाहते हैं तो रोज सुबह उठकर बोला करो परमेश्वर तू लोगों का भला कर। कितने लोग बोलेंगे परमेश्वर लोगों का भला कर। कह रहे कौन लोग हैं वो, कह रहे जो अपनी जिंदगी में परमेश्वर की भलाई को देखना चाहते हैं, हाथ उठा के बताओ देखना चाहते हैं किन लोगों के ऊपर परमेश्वर की भलाई उतरती है। कह रहे देखो स्क्रीन पर, कह रहा आज का हमारा टॉपिक है तुम परमेश्वर की भलाई को देखोगे, लेकिन कौन लोग देखेंगे। नंबर एक, जो अपनी चीजों को अर्पण कर देते हैं, अर्पण आप समझ रहे हैं, जो अपनी चीजों को अर्पण कर देते हैं। नंबर दो, जो धीरज रखते हैं। और नंबर तीन, कह रहे जो विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, भरोसा रखते हैं परमेश्वर पर। कह रहा है कि अपनी चीजों का अर्पण कर देना, लिख लो अपनी डायरी में, आपके काम आएगा। कह रहा है कि नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना घर जाकर। कह रहा है कि जो अपनी चीजों को अर्पण कर देते हैं, हालेलुया। मैं आपको गवाही दे रहा हूं, देखो हमारे बीच में आपने बहुत सारे लोगों ने राखी सावंत के बारे में सुना, लोग उसके बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन मेरे ऊपर एक गिफ्ट है, मैं आत्माओं को बचाने वाला गिफ्ट है। उसने मेरे जन्मदिन पर बधाई भी दिया, मुझे वीडियो भी बनाकर भेजा, और मुझे बोलती है कि प्रॉफिट बजिंदर जी मैं बहुत दुखी हूँ और परमेश्वर को कहूँ वो आपकी सुनता है। करे अपनी सारी टीम को कहो, अपने सारे चर्च को कहो कि परमेश्वर मेरे साथ भलाई करे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, वो बैकस्लाइड हो चुकी है, लेकिन एक प्रेयर से करें कि वो वापिस मुड़ती हुई नजर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं। मैं कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति के अंदर दया आती है परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर उसका भला जरूर करता है। हालेलुया। हालेलुया। जो कोई एक प्रेयर रिक्वेस्ट भेजता है, उस दिन से उसका भला शुरू होने लगता है। जो कोई कह रहे हैं इस समय समझ रहे हैं आप, जो संडे चर्च आते हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर आपके लिए भलाई करने के लिए तैयार है आज के दिन से। आमीन। भलाई लेने का तरीका है ये, कर अपनी चीजों को अर्पण कर देना। आप अर्पण करके आए हैं, कितने लोग अपने आप को अर्पण करके आए हैं आज के दिन। आप संडे पिकनिक मनाने जा सकते थे चर्च, अरे जा सकते थे कि नहीं, लेकिन आप अपने पति के साथ घूमने जा सकते थे, बच्चों के साथ, लेकिन संडे के दिन आप प्रॉफिट बजिंदर का जन्मदिन नहीं, आज यीशु मसीह को आप मिलने के लिए आए हैं। याद रखना, आपने अपना टाइम अर्पण कर दिया है। परमेश्वर आज आपके अर्पण का करे कि आदर करता है, और आपको वो देगा, मुंह मांगा वरदान देगा आज रात के बाद। आमीन। आपको मुंह मांगा वरदान मिलेगा। कितने लोग चाहते हो मुंह मांगा वरदान मिले कि नहीं मिले। कह रहा ये अर्पण करना है, अपने हाथों को उठा, बोलो परमेश्वर मेरे बच्चों को अपनी भलाई दिखा आज। ये भविष्यवाणी है, 7 दिन के अंदर कई लोगों को नई नई गुड न्यूज मिलेगी, भलाई दिखाएगा। आमीन। हम पढ़ें यहेजकेल की किताब, जल्दी से देखें 36:11 में परमेश्वर ने क्या कहा। कुछ लोगों को नहीं पता परमेश्वर भलाई कैसे देता है, कुछ लोग सोच रहे हैं शायद परमेश्वर रसमलाई खिलाएगा आज के दिन। मैं रसमलाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वचन से बता रहा हूँ आपको भलाई क्या होती है। हाँ देखो क्या कह रहा परमेश्वर ने यहेजकेल को, कह रहा क्या कहा भविष्यवाणी करके इसराइलियों के लिए, कह रहे जो मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो अर्पण कर दिया जिन्होंने अपने लिए अपना तन मन धन भेड़ बकरियां वो बच्चे अर्पण कर दिए हैं, कि परमेश्वर अब हम इन चीजों को नहीं छुएंगे जो तुझे चढ़ा दी गई हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम उस स्थान पर वापस नहीं जाएंगे जहां से हमें छोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे। मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा। कह रहा है मैं तुम्हें दोनों को बढ़ाऊंगा और वे बढ़ेंगे, तुम बढ़ोगे आज से और फूले फलेंगे,
फूलोगे फलोगे और मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। हालेलुया हालेलुया। ये वायदा किया यहोवा ने मनुष्यों के साथ, कह रहा है कि आज से तुम्हारा घर बढ़ता चला जाएगा। आपका कमरा अगर 10 फुट का है, 2 कमरे का मकान है, कह रहा है 4 कमरे का मकान हो जाएगा। आमीन। ये वायदा है, प्रॉमिस है परमेश्वर का, आपके साथ भलाई करेगा। कह रहा है कि तुम्हारे पशु भी बढ़ेंगे। अगर आपके पास 2 भैंस है, मैं तो कहूं आधी दर्जन भैंसे हो जाए आपके पास, एक दर्जन फैंसे हो जाए आपके पास, आपके पशु बढ़ेंगे। उस समय में कार नहीं होती थी, मैं आज आपको कह रहा हूँ कि आपकी कार आदि दर्जन हो जाएं। आमीन। एक दर्जन हो जाएं। समझ रहे हो कि नहीं? अगर जो पशु का बिजनेस करते हैं तो उस समय ज्यादातर बिजनेस कौन से थे? पशु के थे। इसलिए परमेश्वर के मुंह से निकलता था, कह रहा तुम्हारे पशु बढ़े। हालेलुया हालेलुया। आज लोगों के पास ब्यूटी पार्लर है, उनकी दुकान बढ़े, आपकी फैक्ट्रियां बढ़े। आमीन। आपके जो बिजनेस पर हाथ लगाओ आज फलते फूलते फैलते चले जाओ। आमीन। कह रहा परमेश्वर भलाई दिखाता है किन लोगों के साथ? कह रहा जब एक व्यक्ति कह रहा परमेश्वर पर विश्वास करता है, कह रहा कि पहले से अधिक बढ़ाऊंगा। हालेलुया। वायदा है परमेश्वर का। जितने लोग प्रभु में यहाँ पर बैठे हैं, अगर आज ये बात मान कर जाएं, कहें आज ये 3 पॉइंट्स को कि परमेश्वर कि मैं आज से परमेश्वर अर्पण करता हूँ। क्या अर्पण करता हूँ? परमेश्वर आपसे धन सोना चांदी मांगने के लिए नहीं आया, परमेश्वर आपसे मांगने के लिए आया किस जिस गंदे लुचपन के काम को तुम करते थे आज अर्पण कर दो यीशु के चरणों में। अगर तुमने कर दिया है, मैं करा आज रात परमेश्वर करा तुम पहले से अधिक बढ़ोगे। आमीन। पहले से अधिक बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आमीन। पहले से अधिक भाग्यवान हो जाओगे। आमीन। पहले से डबल हो जाओगे चर्च। आमीन। तैयार है कि नहीं? यस। लेकिन खाई के पान बना रश वाला, अमिताभ बच्चन भी कह रहे खुल जाए बंद कल का ताला, लेकिन आज आपके ताले खुलेंगे कि नहीं? कह रहे जितनों ने पश्चाताप कर दिया है पाप के लिए, करा परमेश्वर करा उसकी संतान बढ़ती चली जाए यीशु के नाम में। आमीन। उसका हर काम पहले से ज्यादा बढ़े। अपने पड़ोसी को बोलो तू पहले से ज्यादा बढ़ेगा। ये डेट डाल लो आज प्रचार की, ये भलाई कर रहा है परमेश्वर आज के दिन से। मैं प्रभु को बोल के आया कि मेरे बर्थडे पर परमेश्वर इन्हें एक आशीर्वाद दे, और परमेश्वर ने मुझे कहा ये वचन आज लोगों को दे दे कि मैं तुम्हें पहले से अधिक बढ़ाऊंगा। आज जितने लोग यहाँ पर ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने भेंट चढ़ाई है, जो चर्च में बैठे हैं, आप पहले से अधिक भाग्यवान हो जाएंगे। आमीन। आप पहले से अधिक बढ़ते चले जाएंगे। आमीन। बहुत बार आपको नहीं पता कि जिस व्यक्ति को प्रार्थना करना नहीं आता, अनॉइंटिंग क्या होता है, अभिषेक क्या होता है, कह रहा है कि अभिषेक आपको आगे लेकर जाता है। इसलिए परमेश्वर ने पुराने नियम को खत्म नहीं किया, कह रहा है इसराइलियों को प्रार्थना करना जब नहीं आता था, भेंट चढ़ाना नहीं आता था, किसी का मन नहीं था, तो परमेश्वर सिर्फ मूसा को पहाड़ी पर बुलाता था और मूसा से मांगता था, और मूसा कहता था कि परमेश्वर मेरे इसराइलियों को आशीष दे दे। परमेश्वर बोलता था कभी मूसा अपने लिए भी मांग लिया कर, कहता है कि परमेश्वर कह रहा है कि मेरी तेरी प्रजा ही मेरी प्रजा है, यही मेरा परिवार है। मैं आज परमेश्वर से कह रहा हूँ कि परमेश्वर इन्हें बहुत बढ़ा दे यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपने कुछ भी किया हो यही होता है ग्रेस। आप पढ़े या नहीं पढ़े, आपको पता है कि आपने 0 नंबर करके आए हो, आप मैथ में फेल थे, कुछ नहीं लिखा आपने। लेकिन याद करना कई मैडम ऐसी होती हैं, उनके अंदर दया आ जाती है बच्चे के ऊपर और बोलती है चल आज मेरा मूड ठीक है, इसको 3-3 नंबर दे दे। हालेलुया। कौन सा प्रिंसिपल चेक करने आ रहा? हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? करा आज जन्मदिन के अंदर विश्वास करना, परमेश्वर आपको ग्रेस मार्किंग दिला रहा है यीशु मसीह के नाम में। करा आज आपके पर ग्रेस उतरेगा परमेश्वर का। आमीन। अनुग्रह उतरेगा। आमीन। दया उतरेगी। आमीन। आपसे प्रार्थना हुई या नहीं हुई, आपसे बीज चढ़ाया गया या नहीं चढ़ाया गया, दसवां दिया गया नहीं दिया गया, आपने लाख गलती की होगी, लेकिन आज यहाँ पर आने के बाद अर्पण करने के बाद परमेश्वर आज रात से आपके ऊपर करा के वो मिराकल करेगा, आपके घड़े भरेंगे। आमीन। तुम पहले से ज्यादा अधिक शक्तिशाली हो जाओगे। आमीन। तुम पहले से ज्यादा बढ़ते चले जाओगे। आमीन। ये वायदा है मेरे बाप का, आज से तुम पहले से ज्यादा बढ़ोगे। यस आमीन। और आप में से कुछ लोग यकीन करेंगे 3 हफ्ते के अंदर कि यार हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, ऐसी लंबी चौड़ी प्रार्थना भी नहीं की, और मैंने तो ये मांगा भी नहीं था, मेरा तो भी वीजा आ गया,
थोड़ी मेरी ब्लेसिंग आ गई, आमीन, थोड़ी मेरे बच्चे को जॉब मिल गई, आमीन। ये आपको पता लगेगा आज कि आज परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज ये वचन आपके लिए पूरा होता चला जाएगा यीशु के नाम में। कुछ लोग भलाई को जानते नहीं है, उदास रहते हैं अपनी जिंदगी में। जब परमेश्वर ने वादा कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ भलाई करूंगा, तो आपको रिसीव करना। सिर्फ कुछ लोग अपनी जिंदगी में दूसरों के साथ भलाई नहीं करते। अगर आज आप चाहते हैं परमेश्वर मेरे साथ भलाई करे, तो आप किसी व्यक्ति के साथ भलाई करना शुरू करो। आपके अंदर हिम्मत हो तो भलाई करना शुरू करो। कैसे? अगर वो आपसे पानी मांग रहा है, आप उसको पानी पिलाओ। अगर वो आपसे हेल्प मांग रहा है गाड़ी में, तो आप दो, लेकिन बुद्धि को यूज करो। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर नहीं है तो आप मना भी कर सकते हैं कि मेरे पास नहीं है, वो कोई बात नहीं। लेकिन करें कि भला करने वाले करें कि भलाई को देखेंगे, परमेश्वर की भलाई को करें कि आप आज से दुगने तिगने बढ़ोगे। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं निराश रहते हैं प्रभु में आने के बाद भी, क्योंकि वो नहीं जानते हैं परमेश्वर किन लोगों को बढ़ाता है। करें कि पहली बात आपको ये जानना है, परमेश्वर का नाम है भला करने वाला परमेश्वर। आमीन। क्या करने वाला? भला करने वाला परमेश्वर। आपके गांव में कोई कालू राम होगा और वो कहता होगा, यार ये तो बड़ा भला करने वाला था, क्यों मर गया बेचारा? गांव का पार्क बनवा कर गया, गांव में भलाई करके गया, लोगों की हेल्प करा के गया, 10 लड़कियों की शादी करा के गया, हालेलुया, गरीब बच्चों की शादियां करा के गया, उसको क्या बोलते हैं? भला, भलाई करने वाला। लेकिन आज रात के बाद चर्च, ये भविष्यवाणी है हर एक जन के लिए जो मुझे सुन रहे हैं ऑनलाइन चर्च, आज रात के बाद जिस तकलीफ में आप हैं, जिस दुख में आप हैं, ये बेचकेल को भविष्यवाणी दिया परमेश्वर ने, कहते हैं इनसे जो निराश है, जो दुख में है, जो कर्ज में है, जो बीमारी में है, जो टेंशन में है, लेकिन बहुत प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उत्तर नहीं मिल रहा, इनसे कहते अगर आज से तुम अर्पण करो अपने आप को, इसराइलियों अगर आज से तुम प्रार्थना पर भरोसा रखो, विश्वास के साथ कदम बढ़ाओ, मेरे पास आओ, तो कह रहा कहते आज के दिन से मैं तुम्हें बढ़ाता चला जाऊंगा, आज से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। आमीन, हालेलुया। कई लोग यहाँ पर आज से तुम्हें शराब देते रहेंगे, उनकी आदत है, ये उनकी हैबिट है, वो शराब देने की, कोसने की आदत है, जिसमें सांस मशहूर होती है, बहुएं ज्यादा मशहूर नहीं होती। लोग बोलते हैं ये तो सारा दिन मुंह से कुछ ना कुछ निकालती रहती है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को भलाई दिखाता है। एक आदमी था, विश्वासी था, बहुत प्रार्थना करता, क्रिश्चियन था वो, उसके माँ बाप बोलते निठल्ला कहीं का कुछ नहीं करता, कर अब तो तेरे लिए प्रभु ने भी भलाई करना छोड़ दिया, इंसान तो क्या करे, कि आज तो तेरे लिए परमेश्वर ने भी भलाई करना छोड़ दिया। बहुत बार हम ऐसे होते हैं, वो बहुत बार पैसे लेता इधर उधर से, लेकिन वो मदद उसकी कोई नहीं करता, उसका बिजनेस फ्लोप, उसकी हर चीज फ्लोप, वो बेकार हो जाता, निराश हो जाता, और एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठा था निराश होकर, और वो सेब को लेकर, एप्पल समझते हैं, किसी फ्रूट को लेकर ऐसे फेंक रहा था ऊपर, ऐसे फेंक के अपने हाथ में पकड़ रहा था और ऐसे कर रहा था, करा मैं जिंदगी में नाकामयाब आदमी हूँ, मेरा बाप मुझे कोसता है, मेरी माँ मुझे कोसती है, मेरा कोई नहीं है, रो रहा था पेड़ के नीचे, मेरा तो भगवान भी नहीं है, यीशु भी नहीं है, करा मेरी सुनता नहीं है, सोच रहा था बेचारा। लेकिन उसी दिन करा, लेकिन उसके ऊपर परमेश्वर ने भरोसा कर लिया, हालेलुया, कि ये मेरे पीछे चलना है, चलने वाला है। किसी पास्टर ने उसके लिए दुआ किया, और उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने बैठे बैठे जब भी वो पेड़ के नीचे जाता, तो कह रहा है कि ये सेब जब ऊपर जाता है तो ये नीचे क्यों आता है, ये ऊपर ही क्यों नहीं रहता? उसका दिमाग ऐसे था। उसने कहा अच्छा, कह रहा अब की बार देख तू ऊपर, कह रहा कि उसने रस्सी ली और पेड़ के साथ बांध दी, कहता ले अब नीचे आके दिखा। उसका दिमाग ऐसे ही था, उसके बाप उसका बुद्धू बोलते, उसके परिवार के लोग बोलते ऐसा ये शायद ये नहीं, कहता अब नीचे आके दिखा। लेकिन उसने कहा, कह रहा अगर, कह रहा कि मैं लाइट ऐसे लगाऊं, कह रहा इसके अंदर, कह रहा कि ऊपर से जब प्रकाश आएगा तो नीचे कितना, कह रहा टेबल पर सांप दिखाई देगा। उसने लाइट का आविष्कार करना शुरू कर दिया, हालेलुया, एक साइंटिस्ट बन गया। आप समझ रहे हैं,
एक व्यक्ति और सारा दिन पत्थर फेंकता रहता था, ऐसे बैठा पेड़ के नीचे, वो भी प्रभु को जानने वाला था और कह रहा था मेरे साथ परमेश्वर कब भला करेगा तू। आज हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में ट्राई कर रहे हो और आप कह रहे हो कि परमेश्वर कब मेरे साथ भला करेगा तू। और इसी समय कह रहा है कि आप कह रहे हो कि मैं पास्टर हूँ, विश्वासी हूँ, लेकिन कोई काम नहीं बनता, पता नहीं परमेश्वर कब भला करेगा। ये आदमी भी रोज पत्थर मारता था दीवार पर। कितने लोग गाँव के नुक्कड़ पर बैठ कर पत्थर मारे हैं बचपन में, जब खाली बैठे होते हैं, औरतों ने भी मारे हैं चूल्हे पर, लकड़ी अंदर जा, रोटी तोड़ तोड़ के उसके अंदर जा, सूखी रोटी, और सोचती रहती है मेरे साथ कब भला होगा। ये आदमी भी ऐसा ही सोच रहा था और उसी समय परमेश्वर ने इसके साथ भलाई किया। ये सोचता सोचता नट बोल्ट बनाने लगा और एक दिन इसने एक साइकिल में इंजन फिट कर दिया और इंजन फिट करके उसको मर्सिडीज का नाम दे दिया। सबसे पहली कार निकाली इसने, इसका नाम जर्मनी में ये आदमी पैदा हुआ और ये प्रभु को भय मानने वाला व्यक्ति था। इसका नाम था कार्स बेंजन, हालेलुया, बेंज, कार्स बेंज इसका नाम रखा गया। और आज भी इसके ऊपर परमेश्वर ने इतनी भलाई दिया, परमेश्वर इसके साथ भलाई पर भलाई करता चला गया, भलाई पर भलाई करता चला गया, क्योंकि ये बोल रहा था परमेश्वर आज से मैं अर्पण करता हूँ, जो विश्वास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जो बॉम्ब करूंगा तेरे लिए करूंगा। और परमेश्वर ने इसके साथ भला करना शुरू कर दिया। आज पूरी दुनिया में आप इस गाड़ी का नाम सुनते हैं, मारुति कार फेल हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की दी हुई ज्ञान उसको मर्सिडीज कार आज पूरी दुनिया पूरे वर्ल्ड में मशहूर है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, है कि नहीं? कितने लोग, जब तक यीशु मसीह बादलों पर नहीं आता, इसको ये आशीर्वाद है इस व्यक्ति के ऊपर, बेशक ये मर गया है, लेकिन इसके खानदान के ऊपर ये आशीर्वाद है, क्योंकि परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा कि मैं तुझे नंबर वन रखूंगा। उसकी इच्छा ये थी कि मेरी गाड़ी नंबर वन रहे हमेशा। अगर आपकी दुकान नंबर वन रहे, आपका बिजनेस नंबर वन रहे, आपके बच्चे पढ़ाई में नंबर वन रहे, आपकी सेवकाई नंबर वन रहे, तो परमेश्वर की भलाई को लेना सीखना आज से। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है आपके साथ। परमेश्वर कभी भी प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के साथ एक दिन के लिए भलाई नहीं करता, सालों साल के लिए भलाई नहीं करता, हमेशा के लिए भलाई करता है। विश्वास करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। जितने विश्वास कर रहे हैं आज, उनके साथ हमेशा के लिए भलाई होने के लिए जा रही है यीशु के नाम में। लेकिन कुछ लोग प्रार्थना का रिश्ता परमेश्वर के साथ इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उनका भला नहीं हुआ आज तक, उनकी गवाही नहीं बनी। वो हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी रोज गवाही बने, रोज कोई ना कोई बड़ा बड़ा काम हो, रोज कोई नया नया काम हो। लेकिन मैं एक आशीर्वाद आपको दे रहा हूँ, तो अगर आप प्रार्थना का रिलेशन परमेश्वर के साथ बनाएं, तो बाइबल बताती है, कह रहे हैं कि उसका एक बड़ा काम हो ना हो, लेकिन एक काम ऐसा कर दूंगा आपकी सारी पीढ़ियां बैठ कर खाया करेंगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन बोलने वाले भलाई को ले लो आज, रास्ते खुलवा लो आज। हालेलुया बोलकर, हालेलुया बोलो, हालेलुया। कितने लोगों को विश्वास है कि परमेश्वर आज एक ऐसी भलाई करेगा मेरे साथ कि मेरी पीढ़ियां भी बैठकर खाएंगी। आमीन, विश्वास करते हैं आप? एक गवाही तो आज रात आपकी बनने वाली है। आमीन। एक बुढ़िया को उसका लड़का जलंधर से बस में बिठा कर गया और कंडक्टर को टिकट कटा के बोला, कंडक्टर साहब इसको दिल्ली उतार देना। और वो बुढ़िया बैठी, बोले बैठे जब दिल्ली आ जाएगा मुझे बता दियो, मैं आ मेरी आंख ना लग जा। उसने कहा हाँ कोई बात नहीं, तू सो जा माई, दिल्ली आएगा मैं बता दूंगी। अंबाला उस जाके उसकी आंख खुली और बोलती है, कंडक्टर दिल्ली आ गया क्या, बस रोक ली तूने? कंडक्टर कह रहा ना ताई रुक जा, अभी नहीं आया। थोड़ी देर में अंबाले के बाद कुरुक्षेत्र बस रुकी, करी डाय कंडक्टर कुरुक्षेत्र, कह रहा दिल्ली आ गया क्या, कह रही ना कुरुक्षेत्र है, कह रहा अच्छा। फिर थोड़ी देर में करनाल रुकी और उसी समय बोलता है, कह रहे के बेटे आ गया क्या दिल्ली? उसने कहा करनाल आया अभी। कह रहे कि बुढ़िया को विश्वास नहीं हो रहा, बुढ़िया कह रही ये झूठ बोल रहा, ये मुझे झूठे तो नहीं दे रहा बस में। बुढ़िया तो अड़ गई, बुढ़िया कह रही आधे घंटे से तो मैं, चार घंटे से तो मैं सो रही हूँ और ऊपर से इतनी बच गया बस रुकी, अब तक तेरा दिल्ली नहीं आया, झूठ बोल रहा है तू। सब्र नहीं है उसको, धीरज नहीं है, बार बार करी आ गए दिल्ली, फिर संभाल करो की, फिर पानी पानी पत की, बस संभाल खा आसोनी पत, कह रही अब तो आ गया दिल्ली। और भाई साहब दिल्ली थोड़ा थोड़ा सात घंटे का सफर था, कंडक्टर तंग आ गया, कंडक्टर ने सिट्टी मारी, कह रहा बुढ़िया को नीचे उतार दे, कह रहा आ गया दिल्ली, चल नीचे उतर जा, चल नीचे उतर। बुढ़िया कह रही है दिल्ली, कह रहा नीचे उतर, पहले नीचे उतर की, कह रही देख ले दिल्ली। कह रही अपने बेटे को फोन लगाई, कह रही देखियो
कह रहे दिल्ली के बजाय सोनीपत उतार गया मेरे को। मैं क्या कह रहा हूं, जिनको सब्र नहीं है उनको यीशु मसीह की नाव छोड़कर चली जाएगी, याद रखना। जिनको सब्र है वो यीशु की नाव में बैठकर सैर करेंगे आज। आमीन। धीरज है कि नहीं? yes. बार बार पूछते रहते हैं, पास्टर पास्टर हेलो पास्टर पास्टर, अरे ले जाना जेब में पास्टर को, पास्टर मेरा काम बनेगा कि नहीं? भविष्यता के पास आकर बार बार नहीं पूछना, क्योंकि भविष्यवाणी अगर उसने मुंह से चेंज कर दी मुसीबत हो जाएगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप पास्टर के पास जाएं 100 बार पूछें, भविष्यता के पास जाएं तो आप सिर्फ चुप रहें, भविष्यता के सामने बोलने का नहीं। हालेलुया। अपने पड़ोसी का भाई बोलने का नहीं, चुप रहने का। बोलो हालेलुया। अगर भविष्यवाणी सुनना है तो वो सुनाएगा। अगर आप कहेंगे कि मेरा ये काम हो जाए तो जो उसने एक बार बोल दिया हाँ या ना तो उसको स्वीकार करना है। हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं कि यहाँ पर सब्र नहीं था इसलिए इसका भला नहीं हुआ, ये दिल्ली से पहले उतर गई। बहुत लोगों का भलाई इसलिए नहीं किया परमेश्वर ने, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया, उन्होंने विश्वास करना छोड़ दिया। इसलिए कह रहे इसराइली 40 साल कह रहे के जंगल में भटकते रहे, लेकिन कितने थे वो 144,000, लेकिन कितने गए? कह रहे सिर्फ 2 लोग कनान देश में पहुंचे। क्यों? कारण क्या था? बाकी कलीसिया कहां गई? कह रहा वहीं रह गई अपने अविश्वास के कारण। वो विश्वास भी करते थे लेकिन वो धीरज नहीं रख पाए, वो सब्र नहीं रख पाए, वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन अगर आपकी मंजिल आपको दूर लग रही है, मैं फिर कह रहा हूं कि आज आपको बार बार कहना है परमेश्वर मेरे साथ आज रात भलाई जरूर करेगा, जरूर करेगा। मैं कह रहा हूं जो मंजिल आपकी दूर है, मैं कह रहा हूं आज रात आप मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। चर्च कह रहा है भलाई करने वाला परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। बहुत बार आपकी जिंदगियों में टेमोटेशन आते हैं, बहुत बार ऐसी समस्याएं आती हैं, बहुत बार परेशानियां आती हैं। उत्पत्ति की किताब 31:11-12 में कह रहा है याकूब का भाई उसको मारने पर था और उसकी माँ ने कहा जा तेरा भाई कसाई बन गया है, तू अपने मामा लोबान के पास चला जा, वो तेरे साथ भलाई करेगा, चिट्ठी ले जा। लिख दिया उसने कि मेरा बेटा तेरे पास आ रहा है, तू उसके साथ रखना। और वो मनुष्यों से भलाई मांग रही थी और वो भलाई लेने के लिए गया, उसके मामा ने उसको पाला पोसा और बढ़ाया। हालेलुया। उसको पाला पोसा और बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद थोड़े दिन के बाद क्या हुआ? कह रहा है कि उसके मामा ने देखा, कह रहा है इस लड़के के हाथों में आशीष है, जो काम करता है वो सफल हो जाता है। याद रखना वो आशीष आज आपके ऊपर ट्रांसफर हो रही है यीशु मसीह के नाम में। याकूब के ऊपर करा ये आशीष देखकर लाबान ने करा अपनी लड़की का ब्याह उसके साथ करने के लिए तय कर दिया, लेकिन उसको छोटे वाली लड़की पसंद थी। लेकिन बोलता है करा के पहले बड़े वाली लड़की दूंगा, लेकिन बोलता नहीं पहले मुझे यही लड़की चाहिए। करा ठीक है, मंडप में धोखा कर दिया उसके साथ। और उसी समय जब उसने देखा, आपको पता है पहले घूंघट में शादी होती थी, आज तो फोटो दिखा के करते हैं। हाँ तो फेसबुक पे भाई साहब नकली फोटो, काली गोरी होके टैंटरेंट, और बाद में धोखा। अगर शादी करनी है, रिश्ता करना है, आधार कार्ड पे ओरिजिनल फोटो लगी होती है, वो देखकर करना। हालेलुया। आधार कार्ड पे ऐसी फोटो आती है चिब्बी सी। पसंद है तो कर लो, लेकिन धोखे में ना रहो। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा लेकिन यहाँ पर याकूब सोच रहा था मेरे साथ मेरी माँ ने मुझे भेजा है, मेरा मामा ही मेरे साथ भलाई करेगा। लेकिन उसके मामा ने उसके साथ धोखा कर दिया, घूंघट उठाया बेटे ने, देखा क्या ये तो दूसरी बहू आ गई, अरे ये तो मेरे घर में दूसरी आ गई। उसने कहा अब छोटी लेनी है तो 7 साल और यहाँ पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो जानता था कि उसके हाथ में आशीष है, इसलिए उसको किसी बहाने से रोक लिया। आप समझ रहे हैं? आपकी परिस्थितियां क्यों चेंज नहीं होती कई बार? क्योंकि लाबान की तरह परमेश्वर ने भी आपको पसंद कर लिया। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने आपको पसंद किया हुआ है, लेकिन लाबान अपनी भलाई को ढूंढ रहा था। लेकिन लाबान उस समय 7 साल आप उस अपनी जिस औरत से प्यार करता था उससे फिर पाने के लिए 7 साल और उसने काम किया। उसने कहा मैं 7 साल और तेरे साथ काम करूंगा। वो करता रहा करता रहा, उसके भेड़ पशु बकरियां बढ़ती चली गई, लेकिन उसका मामा उसके साथ अन्याय करता चला गया,
उसने अपनी भेड़ बकरियां जो दुधारू पशु थे वो ले लिए उसके और बांझ पशु उसको दे दिए। लेकिन वो येजकेल की भविष्यवाणी पूरी हुई, कह रहा है कि तुम्हारे पशुओं को भी बढ़ाता चला जाऊंगा। हालेलुया। आप वो लोग हैं आपके लिए कोई खड्डा पैदा करेगा, आपको मारने के लिए, आपको कर्जा डालने के लिए, आपको तलाक कराने के लिए, समस्या कराने के लिए। आपको नहीं पता उस खड्डे के अंदर शत्रक मेशक के साथ जैसे यीशु खड़ा था, चौथा यीशु मसीह आपके साथ खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, मैं कह रहा हूँ आपके साथ खड़ा होगा, आपके दुख में, आपकी बीमारियों, आपकी समस्याओं में। लबान जो है, कह रहा उसने भला बुराई किया उसके साथ, लेकिन परमेश्वर ने इस वचन में देखो क्या लिखा, क्या कह रहा उसको। हाँ, पढ़ेंगे। उसने कहा, आंखें उठाकर उन बकरों को, कह रहा उन आंखें उठाकर उन बकरों को देख। आज परमेश्वर मेरे अंदर से होकर आपसे बात कर रहा है। अगर आज आप निराश है, आज निराश है यहाँ पर याकूब की तरह कि परमेश्वर मेरा बिजनेस चल नहीं रहा, परमेश्वर आज के दिन से आपसे वादा कर रहा है कि आज के बाद जैसे तुम घर जाओगे, आंख उठाकर देखना, तुम्हारा बिजनेस बढ़ रहा होगा। आंख उठाकर देखना, तुम्हारा बच्चा बढ़ रहा होगा। आंख उठाकर देखना, तुम्हारे बकरे बढ़ रहे होंगे। आमीन। आंख उठाकर देखना, करा थारी बाल वाले, चित्ते बाल वाले, तब्बे बाल वाले, करा काले वाले, पीले वाले, चिट्टे वाले, नीले वाले, कपड़े वाले, पीले वाले, चिट्टे काले कपड़े वाले, सबके सब बढ़ते चले जाएंगे। आमीन। आंख उठा के देखना आज रात के बाद। हालेलुया। हाँ हाँ, क्या लिखा? उसने कहा कि उठाकर उन बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख। हाँ। कि वे धारी वाले, चीती वाले, धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लबान तुझसे करता है वह मैंने देखा है। करा जो लबान तेरे साथ करता है मैंने देखा है। लेकिन उसको रात गुस्सा रहा था, याकूब को, वो अपने बच्चों की ओर देखकर टूट जाता था, अपनी पत्नी की ओर देखकर टूट जाता था। आज हो सकता है कोई माँ बाप यहाँ पर ऐसा बैठा हो, जब वो अपने बेटे के बारे में या अपनी लड़की के बारे में देखता हो, दुखी होता हो। उसकी लड़की 14 साल से घर पर बैठी हो सकता है उसका पति लेकर ना जा रहा हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई ऐसा हो जो अपने बच्चे को, शादीशुदा बच्चे को लेकर हाथ में लेकर घूम रहे हो, पोते खिलाने के बजाय आप बीमार हो, आप लेकर घूम रहे हो, कोई इसे ठीक कर दे। आप निराशा में हो, आपके पास एक भी जॉब ना हो। लेकिन यहाँ पर यूसुफ, मैं कह रहा हूँ कि याकूब निराश था, और करा के जिन लोगों ने, हो सकता है आपकी कमाई खा ली हो, आपका पैसा खा लिया हो, आपने दिहाड़ी दी हो, लेकिन आपका पैसा, आपकी मजदूरी ना दी हो। लेकिन यहाँ पर यूसुफ के साथ ऐसा ही हुआ, उसने जो कमाया उसने रख लिया, उसको नहीं दिया। लेकिन उस समय उसके अंदर गुस्सा भरा पड़ा था, वो फूट रहा था कि मैं अपने मामा लबान के चपेड़ मार दूं। लेकिन अंदर से परमेश्वर की एक आवाज आती है, बोलता है तू मेरा जन है, तू मेरा जन है। आज हो सकता है आपके पास भी ये प्रॉब्लम हो, लेकिन एक आवाज आपके पास, जैसे यूसुफ के पास आई जब वो ऐसे गलत काम करने वाला था, उसी समय आवाज आती है, बोलता है कि यूसुफ मत डर, कह रहा कि मैंने देखा है तेरे मामा लबान ने क्या किया है। कह रहा कि याद रखना, कह रहा कि अब, कह रहा कि जो मैं करूंगा वो तेरा मामा नहीं, पूरी दुनिया देखने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। आज विश्वास करना है आपको, अगर आज आप लोग आप पर उंगली उठा रहे हैं, लोग आपका पैसा नहीं दे रहे हैं, आपकी मजदूरी मार ली है, आपके बच्चे को निकाल दिया है नौकरी से, आपको किसी ने तुच्छ जान लिया है, किसी परिवार ने, अगर किसी पति ने तो जान लिया है, पत्नी ने तो जान लिया है, अगर किसी डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आज परमेश्वर बात कर रहा है मेरे अंदर से होकर, कह रहा कि आज लोग कह रहे हैं, कह रहा कि देख, कह रहा मैंने देखा है, कह रहा कि आज तू हाथ उठा रहा है, आज तू जगह जगह घूम रहा है, तू आज लोगों के सामने, मेरे सामने हाथ उठाता है, दिन रात प्रार्थना करता है, परमेश्वर मेरा कर्जा उतार दे, मेरी बीमारी भगा दे, मेरे ऊपर से प्रॉब्लम हटा दे। लेकिन क्या आप गुस्से में बोलते होंगे यूसुफ की तरह, परमेश्वर क्या तू देख नहीं रहा, क्या तू देख नहीं रहा मेरे दुख की तरफ? लेकिन मेरे मुंह से, मेरी आत्मा से, मेरे अंदर से एक आवाज आ रही है, परमेश्वर कह रहा है मैंने तुम्हारे दुख को देखा है, मत डरो, मत डरो। आज रात जो लोग तुम्हारे ऊपर उंगली उठाते हैं कि कहां है तेरा यीशु, कह रहा कि आज तुम नहीं, पूरी दुनिया देखेगी मिराकल को, तुम्हारे साथ मिराकल होंगे। आज रात के बाद तुम आंख उठाकर देखोगे, दुनिया आंख उठाकर देखेगी, तुम्हारा मकान पहले जैसा नहीं रहेगा, तेरा एक बड़ी मकान बिल्डिंग बनेगी, दुनिया देखेगी तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, चर्च तुम बहुत बड़ा
दिए जाओगे। यस आमीन। ये परमेश्वर का वायदा है। हाथ उठाओ और कहो कि मैं आज से भलाई को देखूंगा। याद रखना, परमेश्वर कोर्ट वर्ड में आशीष को सुनता है। अगर आपने ये कहा मेरी बिल्डिंग बढ़ेगी, तो इसका मतलब क्या है? शैतान बिल्डिंग पर बैठ जाता है। आप समझ रहे हैं? मन में मांगो, मनों को परमेश्वर जानता है, शैतान नहीं। हालेलुया। मन में मांगो, अच्छी चीज मांगनी है, घोषणा करो, क्लेम करो, लेकिन परमेश्वर के सामने ये बोलो, क्लेम इस बात का करो, शैतान मैं परमेश्वर की भलाई को अपनी दुकान में देखूंगा। आमीन। मैं अपने बच्चों के जीवन में उतरते देखूंगा। आमीन। मैं कह रहा हूं कि तुम नहीं, शैतान नहीं, पूरी दुनिया देखेगी आंख उठाकर। हालेलुया। मैंने बताया प्रचार में भी कि मैं अपने घर में सबसे काला था, छोटा लल्लू सा, इधर से मेरे नाक में से पुणे निकलते थे ऐसे, मुझे कानों में भी नहीं पता था, मैं कई बार निककर कान में डाल लेता था, बता रहा हूं, और गेट पर बैठ जाता था और ऐसे बोलता था आजा आजा आजा, छोटा सा बच्चा, और बाद में नाली में गिर जाता था, क्योंकि मुंह के सामने तो निकल डाल लेना, दिख क्या रहा है, छोटे बच्चों को नहीं पता होता। लेकिन मेरी माँ बताती है कि एक पड़ोसी था, और वो उनको औलाद नहीं थी, वो बूढ़े थे, वो कहते थे ये बच्चा हमें दे दो। मेरी माँ बोलती सबसे बेड़ा तो यही है। साथ दोनों बेटे मेरे सुंदर हैं, लेकिन ये सबसे बेड़ा है, इसको। लेकिन अगर मेरी माँ ने उस दिन दे दिया होता मुझे, तो वो पछताती। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो मेरी माँ को उन्होंने कहा कोई नहीं, भेड़ा ही दे दो, अच्छा मांगेंगे, तेरा दिल लगा हुआ, नहीं देंगे, हम इसको सुंदर बना लेंगे। फिर मेरी माँ को एक यकीन हुआ कि अगर ये सुंदर बना सकते हैं, तो मैं भी प्रार्थना करूंगी ऊपर वाला भी मेरे बेटे को सुंदर बना देगा। आमीन। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपको विश्वास है कि नहीं? आज आपकी नजर में आपका काम भेड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन लोग उठाकर उसको बाहर फेंक देते हैं, कपड़ा बेकार हो जाता है बाहर, गाड़ी बेकार होती है बाहर, लेकिन आप अपनी विचारों को, जो चीज आप मांग रहे होते हैं उसे फेंक देते हैं, आप मांगते नहीं है दोबारा। लेकिन परमेश्वर पर यकीन करना है। परमेश्वर आज से करा तुम्हारी चीजों को सुंदर करेगा यीशु मसीह के नाम में, तुम्हें बढ़ाएगा आज से यीशु मसीह के नाम में, करें कि तुम बढ़ते चले जाओगे। आमीन। मेरी माँ ने भरोसा रखा, अगर दे दिया होता तो शायद आज मैं प्रभु में ना होता, और मैं अपनी माँ को बढ़ाऊ के बोलता था। जब मेरी माँ मुझे बताती थी, मैं कहता था, मैंने कहा बता, साइकिल पे जाना पड़ता है स्कूल छोड़ने के लिए मेरे बाप को, तो मैंने कहा दे देती, मैंने कहा मैं बड़ी कार तुम्हारे पास ले आता चोरी चोरी, तो मैं छूटे दे के चला जाता, तेरा क्या जा रहा था। लेकिन आज कर मैं परमेश्वर की भलाई को देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में, देख रहा हूँ कि नहीं? Yes. जो दुख आया आपकी जिंदगियों में, वो आपकी तरक्की करने के लिए आया है। जो आप बीमार हैं कुर्सी पर बैठे हैं व्हील चेयर पर, जिन्हें मैं देख रहा हूँ, जो दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हैं, आपके लिए भलाई के लिए आया, याद रखना। कह रहा कि क्योंकि परमेश्वर कह रहा है धनवान व्यक्ति का स्वर्ग जाना आसान नहीं है, कह रहा है लेकिन जितने कह रहे कि बीमार हैं, समस्या में हैं, अंधे हैं, लंगड़े हैं, टूंडे हैं, जितने विश्वास करेंगे सब के सब परमेश्वर राज्य में प्रवेश करेंगे। आमीन। लेकिन एक और खुशखबरी आपके लिए कि जो लंगड़ा है, जो टूंडा है, कुबड़ा है, वो यूं नहीं जाएगा स्वर्ग के अंदर, गेट खोलना, हेलो मैं बुढ़िया राम के लिए अंदर आने चाहती हूँ, स्वर्ग दूत हटा, मैंने बैप्टिज्म लिया, ऐसे नहीं जाएगी, बुढ़िया सीधी होकर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर भलाई दिखाएगा, आज भले आप चंगे हो ना हो, लेकिन परमेश्वर बादलों पर आने वाला है, आमीन, पूरी दुनिया को दिखाने वाला है, आमीन। करा याकूब, करा सुन ले, करा मैंने देखा है दुनिया क्या कर रही है नीचे, करा वो नया नियम में भी यही बोल रहा है यीशु मसीह आकर, पुराने नियम से लेकर, करा पूरी दुनिया को दिखाऊंगा, करा काले वाले बकरे कौन है, वो काले वाले नाइजीरियन, चिट्टे वाले बकरे कौन है, अंग्रेज, धब्बे वाले कौन है, और इंडिया का नाम नहीं लूंगा कौन है, ये तो मिक्स है, कौन से बकरे हैं मिक्स, सुन रहे हैं कि नहीं? लेकिन यीशु मसीह बादलों पर आएगा, पूरी दुनिया को दिखाएगा कि वो जिन्होंने विश्वास रखा, धीरज रखा, जिन्होंने भरोसा रखा, उन्हें बादलों पर उठाएगा, भलाई करेगा, आमीन, सबके सामने भलाई करेगा, आमीन। तुमने दुख उठाया,
तुमने प्रॉब्लम्स में रहे लेकिन समस्या में रहे, लेकिन ये भविष्यवाणी है, करा ऊपर आने से पहले पहले वो धरती पर आपको सुख दिखा कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने जितना दुख इसराइलियों को दिया था, मूसा ने कहा अब उतने 40 साल मुझे आनंद के दे, और परमेश्वर ने उनको फिर से वो 40 साल आनंद के दिए। आज रात आमीन बोलने वाले वो आनंद के दिन देखने वाले हैं। आमीन। जितने दिन आपने दुख के देखे हैं उससे डबल दिन आप सुख के देखने वाले हो। यस आमीन। आमीन बोलकर जाना, भरोसा रखे आज। आमीन। कह रहे हैं परमेश्वर सिग्नल देता है, कई बार जब इंसान के साथ बुरा होने लगता है कि और कितने लोगों को पता लग जाता है, कई बार बुरा होने लगता है तो सिग्नल देने लगता है। पर कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर आपको सिग्नल दे कि आप गलत रिश्ता ना कर दें, गलत जगह आप पैसा ना डाल दें, गलत जगह ना चले जाएं, गलत फॉर्म ना भर दें। कितने लोग चाहते हैं आज, तो जल्दी से निकालो अय्यूब की किताब। परमेश्वर सिग्नल देता है, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ट्रेन फाटक पर आने से पहले सिग्नल देती है कि नहीं चर्च? सारे जोर से बोलो कूच छुक छुक। हाँ, आप समझ रहे, सिग्नल दे रहा है। देखो पढ़ो अय्यूब की किताब में, उसका 33:14 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने तो एक बार क्या वरन दो बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित नहीं लगाते। फिर से पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन दो बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित नहीं लगाते। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ना ना ना, आगे बढ़ते रहे, आगे क्या लिखा? स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछोने पर सोते समय। देखो कब देगा सिग्नल, अरे कब देगा सिग्नल? करे जब मनुष्य घोर निंद्रा में सो जाता है, बिस्तर पर सोता है, उस समय आपको ड्रीम्स आते हैं। वो ड्रीम्स, कई लोग ड्रीम्स देखकर उसको पहचान नहीं पाते। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरी लड़की अलीशा मेरे साथ सोती थी आज से 3 साल पहले, और एक बार ऐसे ही मुझे नहीं पता किसी ने, जब मैंने नई नई सेवा शुरू किया, किसी ने झूठी कंप्लेंट करा दी और पुलिस पकड़ने के लिए आ गई रात को, और मैं अपनी बेटी के साथ सोया हुआ था और मेरी बेटी नींद में खड़ी है, कह रही पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, भागो भागो भागो। मैं उठा, मैंने कहा तू सोती रही, मैं भागता हूँ। मैं निकल गया और पुलिस वालों ने कहा कहाँ है आपका डैडी, कहाँ है? लीचे कह रही वो तो भाग गए। आपको नहीं पता, परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए सिग्नल देता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपके कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग नुकसान होता है कई बार, पर लेकिन परमेश्वर सिग्नल देता है। मैं एक बार दो व्यक्ति, हम कह रहे हैं कि प्रभु में आने के बाद हम जापान जा रहे थे वर्क परमिट वीजे पर सिंगापुर से, और उसी समय कि वो परमेश्वर को नहीं मानता था, मैं परमेश्वर को मानता था। मैंने कहा परमेश्वर आप मुझे सिग्नल दें, और उसी समय क्या हो रहा था, हम दोनों चल रहे थे तो चलते चलते हवा आ रही थी और वो पत्ते मेरी तरफ उड़ के आ रहे थे। मैंने कहा यार तेरे वाले पत्ते इधर जा रहे हैं और ये वाले पत्ते इधर आ रहे हैं, ये क्या कारण है? उसको पता नहीं लग रहा था, कहता नहीं पत्ते तो इधर ही गए हैं। मैंने कहा नहीं, ये पत्ते इधर आए हैं, और उसके बाद मेरे पैर हाथी जैसे हो गए, जैसे मुझे कोई रोक रहा है। इसका मतलब सिग्नल दे रहा था परमेश्वर, और मैं फिर भी नहीं समझा। मैंने अटैची ली, अपने 2 लाख रुपए लिए, और मैंने कहा इसकी इससे पहले मेरा वीजा लगा, मुझे पहले जापान जाना है, ले ले ले। एजेंट कहता कि नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है तेरा लगाता हूँ। वो कहता नहीं नहीं नहीं, इससे पहले मेरा लगा। मैंने कहा चल ऐसे करते हैं, दोनों प्रार्थना कर लेते हैं किसका किसकी बारी है। मैंने कहा परमेश्वर बता। उसी समय वो आदमी कहने लगा, कहता नहीं मैं पहले इसका लगाऊंगा, क्योंकि वो डर गया, क्योंकि ना उसने देखा ये प्रार्थना करने वाला आदमी है। हालेलुया। उसके अंदर डर आ गया, उसने मेरे लिए नहीं, और उसका पासपोर्ट भी और पैसे लेकर भाग गया, वो सिंगापुर ही रह गया, मैं वापिस आ गया। हालेलुया। परमेश्वर बचाता है, मैं आपको बताता हूँ। और मेरा जो पास्टर था उसके लड़के को ड्रीम्स आया, और उसने फोन करके बताया, कहता है छोटे से बच्चे ने कह रहा कि प्रॉफिट जी मुझे उसमें पास्टर नहीं था बजिंदर जी, मुझे ड्रीम आया आप वापिस आ रहे हैं, आप जा नहीं रहे जापान, वापिस आ रहे हैं। मैंने कहा ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आपसे बात नहीं करता तो दूसरे के ड्रीम से बात करेगा परमेश्वर, आपके साथ भलाई करेगा। आज से ये गिफ्ट है आपके ऊपर, जितने इस वचन को पढ़ रहे हैं, कोई नुकसान करने आएगा परमेश्वर आज के बाद नुकसान होने नहीं देगा यीशु मसीह के नाम। आमीन।
ना, करा मारने आया, उसके बिजनेस को मारने आया, अटैक करने आया शैतान, लेकिन घोर निद्रा में पड़ा रहा। अय्यूब समझ नहीं पाया, ड्रीम्स दिखाया परमेश्वर ने लेकिन समझ नहीं पाया, लेकिन बाद में फिर ड्रीम्स दिखाया बच्चे के लिए, फिर नहीं समझ पाया, उसकी पत्नी के लिए दिखाया नहीं समझ पाया, उसके लिए दिखाया नहीं समझ पाया। लेकिन बहुत बार हमें ड्रीम्स आते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते। आज हाथ उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर जो ड्रीम्स मेरे भले के लिए है वो मेरे पास आने पाए, वो मेरे पास आने पाए, मेरे पास आने पाए। कह रहे हैं कि घोर निंद्रा में जब पड़े होते हैं वो सिग्नल देता है आपको, लेकिन वो ड्रीम्स अगर नेगेटिव है आपको उठकर प्रार्थना में कैंसिल करना है। अगर आप वो ड्रीम्स अच्छा देख रहे हो तो कहो आज रात पूरा हो जाए, तुम पूरा होते देखोगे। चर्च आमीन बोलने वाले सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना का मतलब समझ गए? कह रहे घोर निंद्रा में पड़े भी तुम प्रार्थना कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है जब आपने ड्रीम देखा तो उसी समय पास्टर को फोन लगाना है। उसी समय घोर निंद्रा में पड़े हुए कहो कि परमेश्वर इस ड्रीम्स को कैंसिल कर दे, परमेश्वर कैंसिल कर देगा। हालेलुया, परमेश्वर ने आपको मारने के लिए नहीं आपकी भलाई करने के लिए दिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग आते हैं बोलते पापा मैंने ना आपके लिए ड्रीम देखा, मैं कहा सड़ा हुआ मुझे ना बताइए, अच्छा तो बता दे, मैंने सुनता सड़े हुए को कह रही सड़ा हुआ ड्रीम है, मैंने कहा अपने पास रख, मैंने प्रार्थना किया कैंसिल किया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ भलाई करना जानता है, शैतान आपको नहीं पता, शैतान भी घोर निंद्रा में जब लोग पड़े होते हैं उनके आप पर आकर जादू टोना करता है। रात के 12 बजे लोग जादू टोना करते हैं, पता है कि नहीं, 12 से 2 के बीच में लोग कहीं लोग जादू टोना करते हैं। आप लोग अगर 12 से 2 के बीच में महीने में एक बार मिडनाइट प्रेयर करें, मैं कह रहा हूं सारे शैतानी अटैक बंद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी सेवकाई बढ़ेगी, आपका घर बढ़ेगा, आमीन। आप आंखें उठाओगे, अपनी धरती देखते चला जाओगे, अपने खेतों को देखते चला जाओगे, तुम बढ़ते चला जाओगे, लेकिन उसका बढ़ेगा जो प्रार्थना में इजहार करेगा परमेश्वर को। हालेलुया। प्रार्थना का मतलब कितने लोगों को बताएं? प्रार्थना का मतलब है इजहार करना। कितने लोग अपनी पत्नी को सुबह उठकर इजहार करते हैं? कोई नहीं करता। कितने लोगों ने शादी वाले दिन इजहार किया था? इजहार मतलब पत्नी को मैं तो उसे बहुत प्यार करता हूं, सारे बोले हालेलुया। एक आदमी एक औरत मेरे पास आया और वो बोले कह रहे कि प्रॉफेट जी कह रहे ये पति मैं इसको छोड़ रही हूं। मैंने कहा है? बोल रही है मैं बिहार की हूं, ये पंजाब का है, हमारी बनती नहीं है। मैंने कहा है? बोल रही है, कह रही कि ये अब मुझे आई लव यू नहीं बोलता, अब मुझे ये प्यार नहीं करता, पहले करता था। ये आदमियों की गलती, हेलो सुन रहे हो, आदमियों की गलती है, ये एक साल प्यार करते हैं दूसरे साल प्यार नहीं करते। सुनो इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि आप दिल से प्यार नहीं करते। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कारण क्या भाई आदमी तू प्यार क्यों नहीं करता? कह रहा जी अनिल कपूर की फिल्म देखी थी, उसमें उसने लड़की को कहा मैं तुझे प्यार करता हूं, तू एक बार हाँ कर दे हम शादी कर ले और मैं जो तू कहेगी मैं वो करूंगा। माधुरी दीक्षित ने कहा ऊपर 12 मंजिली से छलांग लगा दे, उसने प्यारे लाल ने छलांग लगा दी, अनिल कपूर ने उसकी दोनों टांगे टूट गई। कहते हैं उस दिन से करा क्या आदमी लोग डरते हैं औरतों से, कहते हैं कि भाई इनसे तो भगवान ही बचाए, ये क्या मुंह से निकाल दें। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, आप अगर इंसानों को प्यार का इजहार करें ना करें लेकिन परमेश्वर को सुबह उठकर अपने प्रेम को बताएं। इजहार करते हैं जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप चर्च आते हैं आप इजहार करते हैं परमेश्वर से, जब आप प्रार्थना करते हैं इजहार करते हैं, जितने ताड़ियां बजा रहे हैं इजहार कर रहे हैं परमेश्वर से। हालेलुया, प्यार कर रहे हैं आप परमेश्वर से। हालेलुया, बोलकर आजाद हो जाओ। हालेलुया। करा लूका 18 के 7 में लिखा, करा वहां पर लिखा जितने मुझे दिन रात मुझसे प्रेयर करते हैं, जितने मेरे सामने दिन रात दुहाई देते हैं, कह रहा क्या मैं उनकी प्रार्थना सुनने में देर करूंगा? कह रहा नहीं करूंगा। अगर तुम प्रार्थना करने वाले बनो आज रात से परमेश्वर भलाई करता चला जाएगा, करता चला जाएगा, करता चला जाएगा। क्या आप भलाई कराने के लिए तैयार हैं चर्च? यस। मैं आपको एक छोटा सा मुद्दा बताता हूं, इंटरनेट। कितने लोग इंटरनेट को जानते हैं? इंटरनेट को जानते ना, आपने अपने घर में जब इंटरनेट लगाया है तो इस समय तो बहुत सारे लोग पास धर्मेंद्र माइक लेके आया, दूसरा इसकी माइक की आवाज खुलवा थोड़ी, जित कितने लोग खोल इसी की आवाज खोल इंटर बस इंटरनेट आप सुन रहे हैं। तो उसी समय वाईफाई को जब नजदीक आ जाता है, जब मोबाइल लेकर किसी का मोबाइल दे, मोबाइल मोबाइल से लड़की
शाबाश, ये देखो सारे बोलो हालेलुया। ये मोबाइल जब इंटरनेट के नजदीक जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा? वाईफाई चल पड़ेगा, क्या चल पड़ेगा? वाईफाई चल पड़ेगा। और क्या होगा, थोड़ा सा ऐसे लेके घूम जरा और किसी के सिर पे रख दे, वाईफाई चल पड़ेगा। और क्या होगा, उसके अंदर मैसेज आना स्टार्ट हो जाएंगे। बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, हाँ हाँ सुनो, इस इधर के पे उठो उठो उठो, हाँ यस, स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप, हाँ इधर आओ इधर आओ, आप काम सामने आओ सामने आओ। मैं आपको एक दिखाता हूँ, आपको चर्च में आने का, परमेश्वर के दास के साथ जुड़ने का, अनॉइंटेड के साथ आपको फायदा है कि नहीं, यीशु मसीह की प्रेयर करने का फायदा है कि नहीं। मैं आपको भलाई दिखाता हूँ। हालेलुया, यहाँ खड़े हो जाओ। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। आपका मोबाइल कहाँ है? हाँ उठाओ, लिख कराओ बैग इसका। हाँ शाबाश, जल्दी 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 जल्दी, हाँ हाँ निकालो फटाफट, जल्दी कर। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? सुनो देखो अभी, हाँ ये सिर पर लिख, पकड़ ले इसको। क्या हो गया? मैं इंटरनेट हूं। देखो सुनो सुनो सुनो, अभी आपके मोबाइल में कितना रिचार्ज है, कितने पैसे हैं? आज तक कही, आज तक कही है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब इसका तो बनता है। देखो ये मेरे पास आएगी और रिचार्ज हो जाएगा इसका मोबाइल। आमीन। कौन हूं मैं? वाईफाई। सारे बोलो वाईफाई, वाईफाई। ओए यूपी के वाइफ नहीं बोल रहा हूं, वाईफाई। हालेलुया, आप सुन रहे हो? हाँ आओ चलते चलते बोलो यीशु, 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 आते रहो यीशु, आती रहे यीशु, आती रहे यीशु। वाईफाई के पास आ रही है तू यीशु? हाँ यीशु, हाँ वाईफाई के पास आ रही है। रिचार्ज अंदर भी हो रहा है, बाहर भी हो रहा है। यीशु, हाँ हाँ आती रहे यीशु, हाँ यीशु, हाँ यीशु, हाँ यीशु, हाँ। देखो वाईफाई रिचार्ज हो गया। क्या हो रहा, क्या हो रहा है? ये मेरे नजदीक आई, अभी क्या हुआ, रिचार्ज होगी कि नहीं? हालेलुया। आप समझ रहे हैं मैं क्या दिखा रहा हूं? जितने लोग यीशु मसीह के भेजे हुए भक्षकता के पास आए हैं, उनके सारे काम रिचार्ज होने वाले हैं आज। हालेलुया। आपने जो मांगा आज जन्मदिन के अंदर, आज 100% एक को मिल गया आज। मुझे देख रहे हो, रिचार्ज हो रहे हो आप। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं आप, रिचार्ज हो रहे हो आज। आमीन। बैंक बैलेंस रिचार्ज। आमीन। गवर्नमेंट जॉब रिचार्ज। आमीन। रिचार्ज। आमीन। आप रिचार्ज हो रहे हैं आज से। आमीन। आपके ऊपर अनुग्रह बरसेगा आज से। आप आशीषित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप आज से ब्लेसिंग भरे हो जाएंगे चर्च। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, ले आना वाईफाई के पास, बच्चे होशियार हो जाएंगे आज से। रिचार्ज। आमीन। रिचार्ज हो जाएंगे चर्च। कह रहा यहोवा भलाई करना जानता है। निराश था यूसुफ, इसलिए परमेश्वर ने कहा निराश होने की जरूरत नहीं है। तुझे नहीं पता तू किससे प्रार्थना कर रहा है और किस अनॉइंटिंग प्लेस पर बैठा है। कह रहा यहां पर नीचे का नहीं, ऊपर का टावर, स्वर्ग का टावर आज ताजपुर में काट दिया गया है। कह रहा जितने यहां बैठकर मांगेंगे, आज के दिन परमेश्वर आपके घर पर नहीं है, आज के दिन चर्च के अंदर है, याद रखना। आमीन। आज जितने मांग रहे ऑनलाइन चर्च, आज इस टावर से सबको कनेक्शन मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में। ले लो आमीन बोलकर कनेक्शन। आमीन। कनाडा का कनेक्शन ले लो। आमीन। अन्य भाषा का ले लो। आमीन। पास्टर बनने का ले लो। आमीन। आत्मा बचाने का ले लो। आमीन। बच्चे का कनेक्शन। आमीन। वाईफाई खुला है और डाउनलोड कर। आमीन। लेकिन पहले आपको प्रॉफिट बजेंद्र को डाउनलोड करना पड़ेगा।
हालेलुया। ये यूपी को तो नहीं जानते हैं, हरियाणा पंजाब को तो जानते हो। डाउनलोड कर लो, आज गूगल पे जाके डाउनलोड कर लो, सर्च कर लो। आज सर्च कर लिया क्या? नहीं, बाइबल भी सर्च कर लो आज, और डाउनलोड कर लो यीशु मसीह को, और इसमें ब्लेसिंग मिलेगा यीशु के नाम में। आमीन। ब्लेस करता हूँ इसके मोबाइल को, आज तक का रिचार्ज जाए परमेश्वर, लॉन्ग लाइफ का रिचार्ज हो जाए यीशु मसीह। आमीन। ये पढ़ा सारे, बोलो हालेलुया। आजा यार, मैसेज आजा यार, आजा यार, करंट आया भी कुछ आया, आजा यार, आजा यार, खोलो इसको, चेक करो माइक में, दिखाओ माइक। लड़की सही कर कैमरा। हाँ, क्या है, क्या है, डेट क्या, डेट क्या, टाइम क्या? हाँ, डेट 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 हाँ डेट। हालेलुया। क्या डेट है, कहाँ है, उंगली करो अभी। डेट देखा, 4:57 पहले मैसेज आया। ओ मेरे सुनो 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 सुनो, यही रखा, इलामत इलामत, ये मेरी उंगली देख रहे हो, और इसके नीचे पढ़ना 4:57 PM SMS देख रहे हो। और अभी टाइम क्या हुआ, 5 बजे, अभी 5 बजे हैं। सुनो हालेलुया। नीचे करो, डेट क्या आज, देखो डेट आ रही इसमें, टुडे लिखा है, टुडे कहाँ लिखा है, दिखाओ उंगली कर, दिखाओ दिखाओ, चेक करो अच्छे से, शाबाश, चेक करो, दिखाओ। हाँ हाँ, जल्दी खोल, शाबाश। क्या देखो, आप कितने लोग देख रहे हैं? हाँ हाँ, गवाही के साथ, गवाही के साथ बता बता बता, शाबाश। क्या हुआ, क्या हुआ अभी? हाँ हाँ, कितने लोग देख रहे हैं? सारे बोलो, मेरी आशीष से रिचार्ज हो रही है चर्च। बोलो यीशु का मसा। हालेलुया। हाँ हाँ, दिखाओ। हाँ हाँ, बोलो बोलो, अभी मैसेज आया प्रभु जी, टुडे 4:57 पे। दिखा दिखा दिखा, टुडे। सुनो सुनो सुनो, देखो आराम से, ओए कैमरामैन, तेरा भूस बना दूंगा मैं कोठे में। टुडे, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, टुडे 4:57 बैठ जाओ, शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी, प्रचार का टाइम है, प्रचार का टाइम है, जल्दी बैठो जल्दी बैठो जल्दी बैठो। हाँ हाँ, कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? पहला शमूएल 1:17 में सुन रहे हो ध्यान से, कि हन्ना हन्ना को सिग्नल का पता लग गया था। आज कितने लोगों को सिग्नल पता लग गया? लग गया कि नहीं? कहाँ होगा रिचार्ज आपका? बैंक बैलेंस, चंगाई कहाँ रिचार्ज होगी? आपका शरीर कहाँ रिचार्ज होगा? यीशु के भवन में। हालेलुया। अगर आपके रुके हुए काम कहाँ रिचार्ज होंगे चर्च? करा लोग बोलते हैं पुराने नियम में मिरेकल होते थे, मैं कह रहा हूँ जैसा हम कहते हैं वैसा हो जाता है यीशु के नाम में, समझ रहे हैं? यहाँ पर कह रहा, पहला शमूएल 1:17 में, नीचे बैठ जा फटाफट, टाइम खराब ना करो, जल्दी नीचे बैठ जा। सुन लो ध्यान से, कि हन्ना के पास बच्चा नहीं था, लेकिन वो प्रार्थना भी करती थी, शिलो में भी जाती थी, दान भी देती थी, लेकिन उस समय में देखो वो क्या कह रही है यहाँ पर, 1:12, 1:10 में कह रही कि परमेश्वर अगर तू मुझे बच्चा दे तो कह रही कि मैं तुझे वो बच्चा अर्पण कर दूंगी, अर्पण। 1:10-12 में उसने कहा कि मैं अर्पण कर दूंगी, लेकिन 1:17 में उसी समय जब सिग्नल सुना अलीशा को किसी ने कहा, कह रहे कि अरे कोई औरत आई है, बच्चा दान करना चाहती है, मंदिर में कह रही है। और उसी समय आपको पता है पादरी थोड़े से तेज होते हैं, उठा फटाफट, पादरी बूढ़ा प्रॉफिट फटाफट बाहर निकला और बोला, खड़ा, हाँ कौन आया बच्चा दान करने, कौन आया कौन आया? उसने कहा मैं आई हूँ। करा बच्चा दे कहाँ है? करे बच्चा तो है नहीं। उसने सोचा था मेरे कपड़े धोने वाला मिल गया, काम करने वाला मिल गया, कोई चर्च में है ही नहीं काम करने वाला। कहती बच्चा तो है ही नहीं। करे बच्चा है ही नहीं। करे लेकिन मैं एडवांस में आज अर्पण करके जा रही हूँ आज। हालेलुया।
अर्पण करके जा रही हूं, अगर मुझे दे परमेश्वर तो कह रही मैं तेरे चर्च में दान कर दूंगी। और उसी समय एली ने क्या कहा, एली ने सिग्नल देखा और उसी समय उसने कहा जा तू आज कह रहे वाईफाई के नजदीक आ गई है, कहे जा तुझे मुंह मांगा वरदान मिले यीशु मसीह के नाम में, आमीन, मन चाहा वरदान मिले, आमीन। और परमेश्वर ने उसको एक बेटा नहीं दिया, उसके बाद तीन बेटे और दो बेटियां और दी दान देने के बाद, इसका मतलब आधी दर्जन बच्चे दिए। याद रखना आप ऐसे वाईफाई के साथ जुड़े हैं, ऐसे कनेक्शन के साथ जुड़े हैं, यीशु मसीह बोलते हैं मेरी टहनियों के साथ, मेरी टहनियों कह रहा कि मेरे पेड़ के साथ जुड़ जाओ, कह रहा वचन के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो विश्वास करना आज से तुम्हारी हर एक चीज रिचार्ज होगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तुम्हारे घड़े भरेंगे यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारे बैंक बैलेंस भरेंगे यीशु मसीह के नाम में। बस आपको इशारा देना है, इशारा, हालेलुया, सिग्नल देना है। कितने लोग सिग्नल देंगे आज से आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ आपको कैसे देते हैं। तू लड़के इतना फटाफट कोटाई वाले, हाँ मुर्गा बन जा, कान पकड़ ले जल्दी कर, मुर्गा ऐसे बनते हैं बेवकूफ ऐसे, हाँ मुर्गा देखो मुर्गा कैसे होता है, जानवर से अच्छा मुर्गा है, बोलो कुकड़ू कुकड़ू कुकू, इस ये कितनी बार बांग देता है मुर्गा, तीन बार देता है कि नहीं, कह रहा तीन बार सिग्नल देता है मुर्गा, कह रहा जानवर भी जानता है तीन बार। अगर तुम लोग आज से प्रार्थना तीन बार करने लगो, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज से भलाई तुम्हारे बच्चों के साथ करने लगेगा। तुमने जो नहीं देखा वो देखोगे आज से, तुमने जो नहीं सोचा वो सोचोगे आज से, आज से भलाई होने लगेगी आपके साथ, आशीष आने लगेंगी आपके साथ। तुम करा याकूब की तरह करा के परमेश्वर आएगा आपके ड्रीम में, आएगा जब आप गहरी निंद्रा में पड़े होंगे, एक भलाई का ड्रीम दिखाएगा आज रात के बाद, जब तुम घर जाओगे एक भलाई के साथ एक गवाही भी आएगी। चल आमीन। लेकिन हन्ना किस तरह अर्पण करके जाना आज के परमेश्वर, मैं अर्पण करता हूँ, मैं तीन टाइम परमेश्वर तुझे दिया करूंगा। हालेलुया। दाऊद समझ गया, भजन संहिता 5:3 में बोलता है परमेश्वर मैं भोर के समय तुझसे प्रार्थना किया करूंगा। प्रेरितों के काम 9:10 में क्या लिखा, करा शाऊल करा प्रार्थना कर रहा था और उसी समय करा एड्रेस ढूंढ रहे थे, एड्रेस नहीं मिल रहा था, एक एंजल आया और उसी समय पूछने लगा और उसे बताने लगा, कहता वो एड्रेस किधर है, पास्टर को एड्रेस नहीं मिल रहा था क्योंकि वो उसके ऊपर सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करने वाला था। उसने कहा करा जा, करा जो सीधी गली कहलाती है, करा जहाँ पर तुझे रोने की चिल्लाने की नहीं, मुर्दों की नहीं, करा मसीह लोगों की प्रार्थना करने की आवाज आ रही है आज, करा एड्रेस वो है, जा उसके पर हाथ रख दे, वो चंगा हो जाएगा आज। आमीन। याद रखना मैं कह रहा हूं अगर आज आप तीन बातें मान कर जाएं, अगर आज आप फैसला लें कि परमेश्वर मैं आज से अपना टाइम अर्पण करता हूं, इस टीवी को मैं लात मारता हूं, लात नहीं मारना देखना बंद करता हूं, मैं अपना टाइम तुझे दूंगा परमेश्वर, मैं कह रहा हूं अगर आज आपसे परमेश्वर को वादा करके जाएं तो परमेश्वर अपना एड्रेस चेंज करेगा, आपके घर एड्रेस भेजेगा यीशु मसीह के नाम में, कमाईयां आएंगी। शाऊल के पास जब तक एड्रेस नहीं मिला एंजल को, उस पादरी को हाथ रखने के लिए, उसको चंगाई अंधा हो गया था वो, जब तक चंगा नहीं हुआ, जब तक उसके मुंह से रोने की पश्चाताप करने की गिड़गिड़ाहट नहीं सुनी। इसका मतलब आप समझ गए, आप लोगों के पास जाते हैं उनसे दुआएं कराते हैं, जब तक आप अपने लिए खुद नहीं रोएंगे, अपने बच्चों के लिए खुद नहीं रोएंगे, परमेश्वर के सामने अपना सिग्नल नहीं खोलेंगे मुंह का, आप इशारा नहीं करेंगे हाथों का, तब तक परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को एड्रेस नहीं देता। इसलिए 40 साल लग गए जंगल में, उनको रास्ता नहीं मिला। लेकिन अगर आज आप फैसला ले रहे हो कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा प्रार्थना करूंगा, याद रखना आज कह रहे कि स्वर्गदूत आपके पते पर पहुंचने वाले हैं, आपके लिए गवर्नमेंट जॉब वाले पोस्टमैन, आपके लिए चंगाई वाला लेटर, एक डाकिया पोस्टमैन आपके पते पर आएगा आज रात के बाद, आपको इस प्रचार के बाद भलाई होती दिखाई देगी चर्च। आमीन। आप याद करेंगे कि पादरी बजिंदर ऐसे नहीं बोलता, हाथों को उठाओ जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर भलाई करे आज से। एक लड़का था, उसकी माँ उसे बाजार लेकर गई और वो मायूस था, डब्बे में थे, उसने टॉफियां देखी, उसकी तरफ देख रहा था, दुकानदार ने उसे टॉफी निकालने के लिए कहा, कह रहा ले डब्बे में टॉफी निकाल ले, लेकिन कहता मैं नहीं निकाल लूंगा। उसने कहा बच्चा बड़ा होशियार है,
लेकिन उसने कहा मैं नहीं निकालूंगा। वो बेचारा डर गया, उसने सोचा कह रहा बच्चा डरा हुआ है। उसने बड़े सारी मुट्ठी में से टॉफियां निकाली और उस बच्चे को दे दी और उस बच्चे ने जेब में डाली। उसकी माँ ने पूछा बेटे जब अंकल ने तेरे सामने डब्बा किया तो जितने मर्जी निकाल लेता, तूने क्यों नहीं निकाला? बोलता है मम्मी मेरा हाथ छोटा सा था, अंकल का हाथ बहुत बड़ा था। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा कुछ लोग अपने आप रिश्ता कर लेते हैं, कुछ लोग अपने आप जॉब के लिए कोशिश करते रहते हैं, कुछ लोग दुकान पर मेहनत करते रहते हैं, कुछ लोग भाग दौड़ करते रहते हैं, उनको नहीं पता तुम्हारा हाथ छोटा है। लेकिन जो लोग परमेश्वर से मांगना स्टार्ट करेंगे उसका हाथ बड़ा है, बहुत कुछ आने वाला है। आमीन। उसका हाथ बहुत बड़ा है, आज रात भलाई करने वाला हाथ आपके ऊपर आएगा। आमीन। अगर मुर्गे के बांग देने पर आप समझ गए हैं, एलिया 7 बार प्रार्थना करने लगा, समझ गया है कि हाथ आज बादलों में से आएगा, बादलों में से। और बाइबल बोलती है कि एलिया ने जब 7 बार प्रार्थना किया तो उसको बादलों में से हाथ का शोर सुनाई देने लगा, बादलों में से बारिश का शोर सुनाई देने लगा। लेकिन आज जितने यहाँ बैठे हैं, आज आपको चंगाई का शोर सुनाई देगा, आज आपको गवर्नमेंट जॉब का शोर सुनाई देगा। जिस सब के लिए आप भूखे और प्यासे, मैं देख रहा हूँ इस हफ्ते के अंदर आपके अंदर आपके घरों में गवाहियों का शोर आपके कानों में, आमीन बोलने वालों के कानों में, आमीन हालेलुया बोलने वालों के कानों में हालेलुया शोर सुनाई देगा, आमीन। क्योंकि मेरा खुदा आपके साथ भलाई करेगा। लेकिन अगर आप इंसान के हाथ की तरफ देखेंगे, अपने हाथों से कोशिश करेंगे तो बेकार हो जाएंगे। लेकिन जो काम आप परमेश्वर से पूछकर प्रार्थना करके शुरू करेंगे उसकी मुट्ठी बड़ी है। हालेलुया, आज बरकत ज्यादा लेकर जाएंगे आप यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठा लो और आज और इसी समय परमेश्वर से वादा करो, बोलो परमेश्वर आज से मैं अर्पण करता हूँ, परमेश्वर आज से मैं अर्पण करता हूँ, आज से मैं तेरे पीछे चलूंगा, आज से मैं तेरे पीछे चलूंगा, तेरी महिमा करूंगा, तेरी महिमा करूंगा। पवित्र आत्मा रोमियो के 8:28 में लिखा, खुदा से जो प्रेम रखते हैं परमेश्वर उन सबके साथ भलाई को करता है, वो परमेश्वर की भलाई को देखेंगे। पवित्र आत्मा आज ये परमेश्वर की भलाई को देखने पाए, आमीन। आज रात ये तेरी भलाई को देखने पाए, आज रात ये तेरे मिराकल को देखने पाए, आमीन। आज रात ये तेरी आशीषों को देखने पाए, आज रात तेरी आशीष इनके ऊपर खुल जाए, आमीन। इस साल के अंदर ब्लेसिंग उतरने पाए यीशु मसीह के नाम, आमीन। इनके हाथ ढीले ना रहे परमेश्वर, इनका एड्रेस चेंज होने पाए यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो तू घर जाते ही आंखें उठाकर देखेगा, परमेश्वर तेरे साथ भलाई करेगा। आमीन। एक गवाही तेरे गेट पर होगी यीशु मसीह के नाम में, एक गुड न्यूज तेरे साथ होगी यीशु के नाम में, बोलो आमीन। कितने लोगों को विश्वास हो गया, बोलो हालेलुया हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? यस। मैं किसी रजनी को देखता हूँ, रजनी को जिसके पास बेटा नहीं है, रजनी हाँ हाँ बेटा नहीं है, हाँ हाँ सुनो, हाँ बेटे क्या नाम है? रजनी। बेटा नहीं है? नहीं। हाँ हाँ सामने खड़े हो जाओ, शाबाश, सामने जाओ, सामने जाओ, सामने जाओ, शाबाश। फिर से गाएं और कोर्स गाएं, कोर्स गाएं। बंधन टूटते तेरे लगे ना, कैदी शु देर लगे ना, कर देता है रिहा। सुनो 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 सुनो, परमेश्वर का आत्मा है ये, आपके ऊपर दया करेगा, अनुग्रह करेगा, आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। जितनी रजनी है आपको ब्लेसिंग मिलेगी। आज आप देखेंगे पादरी मूड में है, मैं हाथ रख रहा हूं, सिर्फ रजनी आए, झूठ बोल के नहीं आना। क्या नाम है? ब्लेस। हालेलुया। आग लगाता हूं तेरे खत्तों को, सर्वर हालेलुया।
रजनी, और कौन है रजनी? मैं क्या कह रहा हूं, और किसी का नाम है रजनी जिसके पास बच्चा नहीं है? हाँ हाँ सुनो, और क्या कर रहा है बेवकूफ किंग का कैमरामैन? हाँ सुनो, पवित्र आत्मा आपको आशीष रजनी, बस वही हाथ उठाओ वहीं से, जो भी रजनी है हाथ उठा ले वहीं से, मेरे पास आने की जरूरत नहीं, अब लेट लतीफ हो आप, हाथों को उठाओ, शाबाश, मैंने हाथ रखा जिसके ऊपर बच्चे मिलेंगे यीशु मसीह के नाम में, जिसकी तरफ हाथ कर रहा हूं बच्चे की आशीष आ रही है, आमीन। मैं कोई रजनी देख रहा हूं, और कोई नारायण निरंजन, निरंजन उसका पति निरंजन, या कोई उसके घर में निरंजन, ऐसे देख रहा हूं, हाँ हाँ मैं देख रहा हूं ऐसे, हाँ हाँ हाथ उठाते भी आ रही है वहीं से, हाँ नहीं नहीं सेम नेम है रजनी और निरंजन, हैं नरेंद्र नहीं, रजनी और निरंजन, फिर मैं देख रहा हूँ प्रीति, हाँ तू बैठी रह, प्रीति कोई भी है जिसके पास बेटा नहीं है, हाथों को उठा लो, और सुनो मैं हाथों को उठाऊँ, शाबाश, आत्मा में देख रहा हूँ, और जिसके प्रीति मनोज हैं, मैंने क्या बोला, वो येलो सूट मैं उसको देख रहा हूँ पीछे निकल कर आ, कैमरा मैन इसे निकाल, शाबाश, माइक लेके जा दौड़ के, फटाफट टाइम कम है, जल्दी दौड़ के दौड़ के दौड़ के दौड़ के, बोलो फिर से को, फिर से को, फिर से को। खाली मोड़ दानी यीशु आज मेरी, और सुनो जो पेशेंट पेशेंट रूम में, पेशेंट रूम में, पेशेंट कैबिन में, उनमें से दो दो करके ऊपर लेकर आऊँ फटाफट, बैठे रहेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा, अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, जल्दी जल्दी पांच मिनट बस, बस पांच मिनट लेंगे आपके, ओए लेहंड वाले नीचे बैठे रहेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा, कोई स्पेशल वाले भी नीचे बैठे रहेंगे, किसी को नहीं बुलाया अभी मैंने, तंग नहीं करना, किसी को एंट्री नहीं देना, बाहर खड़े रहने दो, उनको बैठे रहो, शाबाश, हाँ हाँ क्या नाम है आपका? प्रीति। मनोज कौन है? मेरा हस्बैंड। देख रहा हूँ 15 साल से कोई औलाद नहीं हो रहा किसी को, कितना टाइम हो गया शादी को, तारीफ करेंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में, बोलो हालेलुया, पवित्र आत्मा आशीष दे रहा आपको, क्या नाम है भाई साहब आपका? हैं मनोज, मनोज जी, सारे बोलो हालेलुया, कहाँ यूपी से आए हो? कहाँ से आयो? यूपी से, बलिया से। तारीफ करें जोर से यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, हाँ हाँ हालेलुया, हालेलुया। आप सुन रहे हो, आपकी पत्नी के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक हुए हैं, मैं हाथ कर रहा हूँ और वो बंधन टूट रहा है, आज जितने लोग यहाँ पर आशीर्वाद की प्रार्थना सुनकर जाएंगे, भला हो जाएगा उनका यीशु के नाम में, इसी समय जो हमारे पार्टनर होंगे, मेंबर होंगे, उनका कमरा एक साइड में है, बाकी सबके लिए टेबल लगा हुआ है, लंगर सब खा कर जाएंगे, आप विश्वास करना है, और इस समय कितने लोग केक कटवाना चाहते हैं, थैंक यू, मेरी तरफ देख, इसी समय वो गंदी स्पिरिट बाहर आ जाए, आउट, निकल आओ, निकल आओ, आंख बंद कर, और वो निकल रहा है, फायर, निकल आए बाहर, ठीक है, चिल्लाए और निकल जाए इसके अंदर से, निकलो, उखड़ जाओ, आने दे, आने दे, आने दे, कैमरामैन, कैमरा कर, ओ मेरे यीशु का मसीह, था यीशु गाओ, मेरे यीशु का मसीह, था यीशु गाओ, मेरे यीशु का मसीह, मसीह यीशु गाओ, मेरे यीशु का मसीह, मसीह, हाँ बंधन टूटते देर लगे ना, कैदी छूटते देर लगे ना, बंधन टूटते देर लगे ना, कैदी छूटते देर लगे, कदी देना है ले हाँ मर गया,
के भाई मर गए, अब कोई घर में बच नहीं है। तेरे पास बच्चा है? पति कहाँ है? मैं पति है। देख रहे आप ए कैमरामैन सारे बोले हालेलुया हालेलुया। मैं दोनों को आशीर्वाद देता हूं। के लालच में आई थी आपने बृहस्पतिवार को लाइव देखते हैं हम लोग ना, तो आपने बोला था कि मेरी जो शक्ल देख रहा जो मांगेगा उसको मिल जाएगा। मैंने कहा हे प्रभु मेरी किस्मत नहीं, पैसा नहीं है कि मैं वहां जाऊं, लेकिन उसके सुबह में अचानक आया। हालेलुया हालेलुया मेरे यीशु का मसीह। कैरी कैरी मैं किसी चीज के लालच में नहीं आई, कैरी के मैं बस आपके दर्शन के लालच में आई थी कि जो मुझे देख कर जाएगा उसके काम बन जाएंगे। और आज तेरा नाम मिला परमेश्वर ने, आज इसके भाग्य खुल गए यीशु मसीह के नाम में। दोनों हाथ पकड़ लो एक दूसरे का, देखो कैसे रो रहे हैं। मैं इनको पैर छूने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, सबको करता हूँ। सारे बोले हालेलुया। सुन मेरी बात, हस्बैंड स्टैंड अप, खड़ा हो जा। मेरे चुप 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 चुप। मेरे पास एक 14,000 रुपए का जूता है, ठीक है? तेरा पैर नंबर कितना है? मेरा 6 नंबर। 6 नंबर? फिर कैसे आएगा तेरे को यार? 5 नंबर। 5? अबे अबे बड़ा होना चाहिए। आपका कितना है? 8 नंबर। 8 नंबर, खड़ा हो जा, खड़ी हो जा। शाबाश तेरा मिलता है मेरे साथ। हालेलुया सर बोले हालेलुया हालेलुया। इधर तेरे को मेरा जूता पहन कर घूमने 7 दिन, सुन रही है? मैं तेरे को जूते कोरियर कराऊंगा या तू चंडीगढ़ आएगी और जूते लेकर जाएगी मेरे, ठीक है? 7 दिन पहन कर घूमना, ठीक है? बहुत सारी रिपोर्टें नॉर्मल होने के लिए जा रही हैं। हाथ पकड़ो, इनका आशीर्वाद मिलेगा यीशु मसीह के नाम। हाथ पकड़ो और इसी समय प्रभु मैं इसको इसी समय परमेश्वर इसके पैरों को ब्लेस करता हूँ। यीशु मसीह का बेटे की आशीष आने पाए दोनों के ऊपर। यीशु का आमीन। जोर से तारीफ करो शाबाश। मेरे यीशु का मसीह, बताओ यीशु का, ओ मेरे यीशु का मसीह, बताओ यीशु का, ओ मेरे यीशु का मसीह, बताओ यीशु का। अपने आशीर्वादों, अपने आशीर्वादों। ओए नीचे बैठे रहो, नीचे बैठ जा क्वेर, नीचे बैठ जबर, सारे बैठ जाओ। ड्रामे ने करो, नीचे बैठो, शाबाश। फटाफट फटाफट फटाफट, हाँ हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी, 5 मिनट है मेरे पास। और इसी समय सुनो, देखो मैं आपको पूछ रहा हूँ, खड़े हो जाओ यार, सीधे दिमाग खराब ना कर। इसी समय आपको प्रार्थना कराने आओ बेटे, प्रार्थना करवाओ। मैं हाथ करूंगा आज, पानी डालूंगा, बहुत सारे लोगों को आशीष मिलेगी। आमीन। सुनो मैं सिर्फ पूछता आ रहा हूँ, कब से प्रॉब्लम है? हाँ कैमरा करो उधर, हाँ माइक माइक सीधा रखियो। कब से प्रॉब्लम है बेटे? 3 महीने से। 3 महीने से ये देखो रिपोर्टें लेकर आया है, चेक कर सकते हो, किडनियां खराब हैं, डॉक्टर ने बोला है चल फिर नहीं सकता। ये देखो नालियां पालियां लगी हुई हैं, सुन रहे हो? ये देखो रिपोर्टें लेकर आई है डॉक्टर, हैं चूल्हा खराब हो गया, डॉक्टर कह रहा है चल नहीं सकते। नीचे बैठ के देखो, 2 मिनट सब्र करो। कहाँ से आए आप? जल्लो वाला माधोपुर। आप ठीक होना चाहते हैं? हाँ जी। आप चलना चाहते हैं? हाँ जी। बहुत चर। ये देखो ये किसके साथ आया है? भाई कह रहे लड़की, हम मेरा पति है। क्या ये तोड़फोड़ करता है? हाँ जी। देखो सांगलों से बांध रखा है, ये देखो आप देख रहे हैं कितने लोग, स्क्रीन पर देखो, स्क्रीन पर। मैं कह रहा हूँ आज बर्थडे के दिन आपको गिफ्ट देकर जा रहा हूँ। यस। पीछे बैठ कर देखो, नीचे बैठो, कोई आगे नहीं आएगा। स्क्रीन पर देखो आप, स्क्रीन पर देखो, स्क्रीन पर नीचे बैठो, पीछे लोगों को दिखता नहीं है। संगले इसलिए बांधी, क्यों बांधी है? मतलब सबके मारते है, सबको मारते है, मारता है, भाग जाता है, तोड़ फोड़ करता है। ठीक है आज से उस शराब को तोड़ता हूँ,
कितने साल से चला फिरा नहीं जा रहा? डेढ़ साल से। डेढ़ साल से, कब से प्रॉब्लम है बहन जी? चार साल से। चार साल से, कहाँ से आए आप? माइकर, माइकर आगे हैं। संगरूर से आए। कहाँ से? पंजाब से। संगरूर, पंजाब से। हाँ जी। डॉक्टर ने क्या बोला, व्हील चेयर पर का सहारा लेना पड़ेगा? डॉक्टर कहते भी आप तुर नहीं पाते, तुर नहीं पाओगे, कभी भी नहीं तुर पाओगे कहते। घर से कैसे आए थे? घर से व्हील चेयर से आए थे। ये अपनी व्हील चेयर, आपकी व्हील चेयर है? हाँ जी। अपनी व्हील चेयर से आई है, हालेलुया। किसी से उधारी नहीं लिया, मांगी नहीं है। कहाँ से? संगरूर से आए हो? संगरूर पंजाब से। हाँ, छोटे बच्चे को देख लो आप। हाँ, ये कब से लगे हुए हैं? 12 साल से। 12 साल से। डॉक्टर क्या कह रहा, छड़ी से चलोगे? हाँ जी पास्टर जी। अभी उठो और छड़ी से चल के दिखाओ थोड़ा मेरे को। आओ शाबाश, मैं हाथ रखता हूँ, इधर आओ मेरे पास। हाँ चलो, हाँ हाँ शाबाश। अब देख रहे हैं, अब चुन्नी चुन्नी उतार सकते हैं बस। आप रुको, लड़की उतारे, लड़की। हाँ देखो, बेल्ट लगी, शाबाश। पूरा हाथ देखो इसका, पूरा हाथ ऐसे, शाबाश। अभी कहाँ से आए आप? बटाला पंजाब से आई हूँ। बटाला पंजाब से जी। हाँ थोड़ा दो कदम चलो। किसने कहा आपको यहाँ करा कर ठीक हो जाओगे? पापा यूट्यूब से भी देखती हूँ मैं, पहले भी आती थी। चलो मेरे को पूरा विश्वास है कि आप दो कदम चलो चलो। 1 2 और अब देखो, रुमाल दे, वही लगा इस पे, पिछड़ जा। अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा फायर। आउच 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 आउच। पिछड़ जाओ, ज्यादा भारी है भाई। फ्री निकल जा गंदी आत्मा, छड़ियां पकड़वाने वाली, कमर में बेल्ट लगवाने वाली। चलो चलो, निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। आ रा, मैं इन छड़ियों को शराब देता हूँ। yes. इसी समझ के हाथ पैर चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं, फ्री हो जाए। छोड़ दे, तूने चलने दे रहा इसको, तूने पकड़ा इसको, तूने चलने दे रहा इसको। देख रहे हो चर्च, आज पादरी का जन्मदिन है। हालेलुया। आज यहोवा से जैसा कहेंगे वैसा करेगा, प्रभु से विनती करेंगे सुनेगा कि नहीं। आज वो जो मांगोगे, क्योंकि वो मेरा डैडी आज गिफ्ट देगा आपको, चंगाई देगा। निकल आ बाहर, छोड़ दे इसके शरीर को। आउट फायर, फ्री फ्री, आग उतरे, आ जाए और किसी में निकल जाए फ्री। दो लड़कियां हाथ पकड़ो फटाफट, डंडे के साथ, डंडे के साथ हाथ पकड़ लो। तेरे को आता पकड़ना, जाने देना, लेटाना और जाने दे पीछे। हालेलुया। हाँ, दोनों हाथ पकड़ के फिर से उठाओ, दोनों हाथ पकड़ डंडे के उठाओ। शाबाश शाबाश, उठाओ उठाओ, छड़ी छड़ी नीचे करो, नीचे करो। हाँ हाँ, अभी सुनो सिस्टर, मित्र देखो, चंगी हो जाए। खोल दो उसको, खोल दो उसको। आपका रोना आनंद में बदल रहा है। चेक करो, खोल दो बेल्टें, अपने हाथ से खोलो, हट जाओ। चलो शाबाश, जो नहीं कर सकते वो करो। यीशु का आनंद आ गया है आपके हाथ पैरों में, जान आ रही है। चलो हालेलुया। ये है चंगाई देने का तरीका,
जीसस चल नहीं पा रही थी। थैंक यू जीसस कर रही है क्योंकि इसको पता लगा है मेरे हाथ रखते ही इसके हाथों पैरों में जान आ गई है। चल चल बेटे खड़े होके दिखाने, खड़े होके दिखा, चलो शाबाश शाबाश शाबाश, सीढ़ियों से नीचे उतर के दिखा, शाबाश चलो। ओ मेरे यीशु का मसीहा, बताओ यीशु का, 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 ओ मेरे यीशु का। हमारी जिंदगी में आने के लिए पापा आपका बहुत बहुत थैंक यू। God bless you with all the happiness and the glory of Jesus, Papa. क्यों दे रही है बताइए? So much, Papa. क्योंकि यीशु की सामर्थ ने आज छू लिया है इसका। हालेलुया। हाँ हाँ शाबाश 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 शाबाश। हाँ हाँ बेटे बेटे बेटे। हाँ हाँ कहाँ से आए? कहाँ से आए? कौन है इसके साथ? हाँ कहाँ से आया? लुधियाने से। कब से है प्रॉब्लम? से बचपन से। बचपन से? हाँ चेहरा डांप फटाफट से स्टैंडर्ड आ, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। हाँ बेटे हाथ रखो यहाँ पर, शाबाश जोर लगाओ, शाबाश शाबाश। ओ मेरे यीशु का मसीहा, मेरे यीशु का मसीहा, मसीहा यीशु का, ओ मेरे यीशु का मसीहा, मसीहा यीशु का, ओ मेरे यीशु का मसीहा, मसीहा यीशु का, ओ मेरे यीशु का मसीहा, मसीहा यीशु का, मसीहा यीशु का, ओ मेरे यीशु का। हालेलुया। ये बहन रो रही है, तड़प रही है अपनी चंगाई के लिए। कैमरामैन रो रही है, ये देख रही है दो को चंगाई मिलेगी, मुझे मिलेगी कि नहीं। यहोवा से तेरे साथ रहेगा, वो बंधन टूट जाएंगे, वो शराब टूट जाएंगे आज से इसी समय। प्रभु हीलिंग मिले, तेरे दास के जन्मदिन पर इनको गिफ्ट मिले, यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद तू बॉडी में अपने देखेगी। यस, ये व्हील चेयर जिस डॉक्टर ने दिया उसको वापिस दे आना, परमेश्वर तुझे आशीष देगा। आमीन। तेरी कमर में जितने ऑनलाइन देख रहे हैं चंगे हो जाओ, आमीन बोलकर आज। हाथ रखो बहन, विश्वास है। स्टैंड अप चोर लगा, शाबाश चलो चलो। मेरे यीशु का मसीहा, बताओ यीशु का, ओ मेरे यीशु का मसीहा, बताओ यीशु का, मेरे यीशु का मसीहा, बताओ यीशु का, ओ मेरे उतर सकते हो। चलो 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 चलो, मत घबराओ, शाबाश। खड़ा कर, फिर से खड़ा कर, खड़ा कर, शाबाश शाबाश शाबाश, यीशु के नाम में। स्टैंड अप, मेरे हाथ रखते देखो, चलो उठो उठो, डरो नहीं, उठो, यू आर हीलिंग। ओ मेरे यीशु का मसीहा, मसीहा यीशु का, ओ मेरे यीशु का मसीहा, मसीहा यीशु, मेरे यीशु का मसीहा, मसीहा यीशु, मेरे यीशु का। चोर से तारीफ करो, चोर से चोर से चोर से चोर से। बंधन टूटे तेरे लिए, हा 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 हा। उठाओ इसको, शाबाश, उठो उधर से पकड़ के उठाओ इसको। हाँ शाबाश, इधर देखो, सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। लगता है तेरा पति है भाई है, जल्दी बोलो माइक में। जी क्या है? मेरा पति है। तेरा पति है? देख आज जैसे कहूंगा वैसे करेगा, करी ना सुनता है ना बोलता है, पागल वाली हरकत करता है, तोड़ फोड़ करता है। फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, आउट यीशु के नाम में, आउट, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। हाथों को उठाओ बेटे ऊपर, हाथों को उठाओ ऊपर, ऊपर उठा शाबाश ऊपर। खोल दे इसको,
दौड़ के दिखा शमश। yes. चलो दौड़ो। हालेलुया। दौड़ के कैसे आते हैं शाबाश। इधरा अपनी पत्नी को गले लगा ले, गले लगा शाबाश। ग्लोरी टू जीसस। हटा यीशु आती भूड़ बिच जा गया, नगड़े तोड़ेंगे। हटा यीशु आती भूड़ बिच जा गया। बोलो हालेलुया। माइकर्स के बारे माइकर बोलो। यीशु, यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। आज पागल वाली आत्मा, संगलो वाली आत्मा, बोलो संगलो वाली आत्मा, पागल वाली पागल वाली आत्मा मेरे अंदर से चली गई है, मेरे अंदर से चली गई है। मैं फ्री हूँ, मैं फ्री। आमेन। ओ मेरे यीशु का मजा, बताओ यीशु का, ओ मेरे यीशु का मजा। दर्द हो रहा है, मैं टांग पे हाथ लगाया, दर्द माइक लेकर पवित्र आत्मा तू छू ले यीशु मसीह के नाम में। स्टैंड अप, उठ के देख शाबाश। हाँ डर नहीं, डर नहीं, चलो शाबाश, चलो चलो। यू आर ही। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, चल उठा टांग शाबाश, चलो 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 चल। मेरे हाथ रखते हैं, चंगी हो रही है तू यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। फ्री हो जाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा वो बंधन टूट जाए इसके ऊपर से, चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। चल बेटे चल, चल बेटे चल, छोड़ दे चल शाबाश, इधर चल इधर शाबाश, चलो चलो। हटो यीशु आती भूड़, हालेलुया जीसस। हटो यीशु आती भूड़ बिच जा गया, लगड़े तोड़ेंगे। स्टैंड अप स्टैंड अप। चेक कराना अपनी किडनियों को, अगर आप अभी डरते हो तो खड़े हो जाओ, नहीं डरते नहीं तो चेक कराऊं डॉक्टर को, आपकी किडनियां नॉर्मल हो रही है। मेरे हाथ रखते यीशु मसीह के नाम में। yes. अपने हाथों को उठाओ, अपने रुमाल को घुमाओ, शाबाश, अपने रुमाल को घुमाओ। आज आज सबको आशीष मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। और फटाफट केक ले आओ ऊपर, और फालतू कोई लोग ऊपर नहीं आएंगे, कोई लोग ऊपर नहीं आएंगे, ऊपर कोई नहीं आएगा। अपने हाथों को उठाओ शाबाश। अपने असीरानू बंधन टूटते देर लगे ना, कैदी छूटते देर लगे ना, बंधन टूटते देर लगे ना, कैदी छूटते देर लगे ना। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। पवित्र आत्मा जो लोग रुमाल घुमा रहे हैं आज आजाद हो जाएं, पत्थरियां बाहर जाएं, रसोलियां बाहर जाएं, कर्जे बाहर जाएं। आज ये केक खाने के बाद, आज खाना खाने के बाद, चर्च का पानी पीने के बाद इनकी लाइफ में मिठास आ जाए। ओ मेरे यीशु का मजा, मजा। अपने सिर पे रुमाल रख लो, आपने जो नहीं मांगा वो भी मिलेगा आज। ए नीचे बैठ जा, जो नहीं मांगा वो भी मिलेगा। निकाल दे निकाल दे, जो नहीं मांगा वो भी मिलेगा। आशीष मिल रही है आज से आपको। हाँ फटाफट फटाफट, मैं देख रहा हूँ, फटाफट फटाफट, गवाहियों के साथ, गवाहियों के साथ फटाफट। हाँ हाँ हाँ, जल्दी 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 जल्दी, एक तो गवाही लेगा फटाफट। हालेलुया। हाँ हाँ प्रभु जी, माता बता रही है
काफी साल से मंजे पर थे, खाट पर थे, बेल्टे लगी हुई थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया नसे ब्लॉक है, चल नहीं सकती। अभी आपने ले हैंड प्रेयर किया, बोलती पैरों में जाना ही है, सालों बाद आज खड़ी हो चुकी है। हटा ये शुरुआती मूड बिची आ गया लकीरे तोड़े, देखो टांगों से बेल्टे उतर गई है, झुक नहीं पा रही थी अभी झुक रही है, और अभी और ज्यादा हीलिंग मिल रही है इसको। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हालेलुया, प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है 12 साल से स्पाइनल प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपके स्पाइन के मन के दब चुके हैं, फटाफट बिना सहारे के नहीं चल पाएंगे। आपने अभी ले हैंड प्रार्थना करी, चलने लगी है। हालेलुया, हटा ये सुवाती मूड बिची आ गया लगने तोड़ेंगे, हटा ये सुवाती मूड बिची आ गया। आज से डंडे छोड़कर और उसके घर में बड़ी शांति आने पाए, यीशु के नाम में आमीन। जाओ जाओ जाओ, चेक करो चेक करो चेक करो, सानू मौत दी नी रता पर वो। हालेलुया, प्रभु जी बच्ची बचपन से व्हीलचेयर पे है, चल नहीं सकती थी, डॉक्टर ने मना कर दिया चल नहीं पाएगी, अभी आपने ले हैंड प्रेयर किया, आज खड़ी हुई है, चलने लगी है। ओ मेरे यीशु का मसीहा, जोर से तारीफ करो जोर से, देखो ये परमेश्वर है, फटाफट गवाहियों के साथ फटाफट नेक्स्ट। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी जो रुमाल कुमारे, चेक करो आपकी गवाही आ रही है, गिल्टियां सोलियां बहुत। हालेलुया, प्रॉफेट जी इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है, बताएं इसके भाई को एक साल से गले में गिल्टी थी, अभी अपने का रुमाल को चेक करो, चेक किया गिल्टी दो अबार की उड़ चुकी है। बेटे कब से थी गिल्टी, कब से थी? एक साल से। अभी कहाँ से आए आप? लुधियाना। तो अभी गिल्टियां नहीं है, नहीं। तारीफ करो जोर से, जाओ 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 नेक्स्ट नेक्स्ट। हालेलुया, प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है, ये बहन बता रही है एक्सीडेंट के कारण ये एक साल से बिल्कुल अंधी हो चुकी थी, अभी आपने बोला चेक करो, चेक करने किया, ब्लाइंड देखने लगी है। मेरे यीशु का मसीहा, मसीहा यीशु। हालेलुया, जाएं जाएं जाएं, शाबाश शाबाश शाबाश, फटाफट केक ले आ, केक ले आ। कितने लोग आज आशीष में बदलना चाहते हैं? यस, ठीक है, मैं केक के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, फटाफट जल्दी जल्दी बाकी साइड में जाओ, कोई केक नहीं आएगा। हेलो, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया, सुनो 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 सुनो, जल्दी जल्दी इसके बाद हट जाओ। अच्छा, हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया, कोई स्टेज पर नहीं आएगा, मैं उधर लेफ्ट साइड आऊंगा स्टेज के पास, जो भी कोई गिफ्ट लाए हैं परमेश्वर आपको आशीष दे। सब लोग हाथ बढ़ाओ, क्या मेरे लिए दुआ कर सकते हो? पीछे से कैमरा दिखा लाली। हाँ हाँ, सब लोग हाथ बढ़ाओ, शाबाश। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, ये ड्रोन वाले मेरे सिर के पीछे आ जा, पैसे नहीं मिलेंगे नहीं तो तेरे को रामे नगर यहां पर
परमेश्वर मैं तुझसे विनती करता हूँ पवित्र आत्मा जी, आज तूने कहा मैं तुझे आज के दिन से आशीष देता रहूंगा, और मेरे प्रभु मैं लाइव में जो मुझे लाखों लोग देख रहे हैं पिता, जो मेरे जन्मदिन पर शामिल है मेरे चर्च के लोग भी, मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ। और पवित्र आत्मा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तेरे उपकार के लिए, तेरी भलाइयों के लिए, कि तूने मेरे मेरी उम्र मेरी आयु को लंबा किया यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ मेरी सेवकाई को ब्लेस किया आज से, आज से परमेश्वर मेरी कलीसिया को, मेरे लोगों को जो यहाँ पर बैठे हैं, खड़े हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आशीर्वाद देता हूँ जन्मदिन पर, मैं इन्हें गिफ्ट देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इनके रुके हुए काम इस हफ्ते में बन जाएं। आमीन। यीशु के नाम में बोलो आमीन। आमीन। पवित्र आत्मा मैं तेरे नाम से ब्लेसिंग को लेता हूँ यीशु के नाम में। घर पैदा होया यीशु नाम रखाया, घर पैदा होया यीशु सुदा 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 हैप्पी बर्थडे बढ़िया जमाना मनाया सुदा हैप्पी बर्थडे बढ़िया जमाना मनाया सुदा हैप्पी बर्थडे बढ़िया जमाना हैप्पी बर्थडे टू यू यीशु जी हैप्पी बर्थडे टू यू यीशु जी हैप्पी बर्थडे। कोई ऊपर नहीं आएगा, कोई झपटा नहीं मारेगा, बोलो हालेलुया हालेलुया। यार जो टीम मेंबर हैं सुनो मेरी बात, हेलो मैं किसी से हार नहीं लूंगा, टीम मेंबर है सारे यहाँ पर आ जाओ, बस फोटो खिंचा लो, आ जाओ सब आ जाओ।